मानव समाचार मानवता के हक में। इंग्लिश का जो पेपर है ये फोबिया हम लोगों के जहन और दिल से निकालना, ये इसका पहला मकसद है। कि जिस तरीके से हम लोगों को अभी प्रीलिम में हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो पेपर है, सारे पेपर्स अगर एक साथ करेंगे और इंग्लिश का अलग से करेंगे तो इंग्लिश का पेपर सब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बुक नई बुकलेट हो जाती है हम लोगों के क्वेश्चन पेपर। लेकिन एक्चुअली ये जो वो क्वेश्चन पेपर है ये एक्टिविटी बेस्ड है, और एक्टिविटी बेस्ड जो होता है वो सिर्फ हम लोगों को उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि इन विच एक्टिविटी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट, दैट्स इट। इसीलिए हम लोगों ने जो पहला पेपर आप लोगों को दिया जो सिंगल है, तो इसके अंदर जो छपा हुआ है वो यही है कि एक्चुअली हम लोगों का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये 80 मार्क्स का हम लोगों का पेपर होना है, 20 मार्क्स का हम लोगों का ओरल रहेगा। तो ये 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, तो चार सेक्शन हमारे पेपर में होते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो फर्स्ट सेक्शन प्रोस होता है, सारे असबाक, जिसके अंदर से तमाम जो लेसन्स है उसके अंदर से एक ही पर हम लोगों को एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होता है, पौने 300 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल, ठीक। और उसी के ऊपर से सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों की पूछी जाती है, अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो 34 मार्क्स वो किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन और टू दोनों वही रहता है, फर्क सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर वन हम लोगों का सीन पैसेज है और टू अनसीन। लेकिन हाउ टू सॉल्व द प्रोसीजर इज वन एंड द सेम, दोनों का एक ही है, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से इसकी 34 मार्क्स होती है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है दैट इज ऑफ पोएट्री, ठीक। तो पोएट्री एक्चुअली कितना है, 14 मार्क्स के लिए है, ठीक। थर्ड जो है वो राइटिंग स्किल है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों का होता है, और ये 16 मार्क्स के लिए है। और यही एक वाहिद सवाल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। आप उसके ऑप्शन में देखेंगे तो मार्क्स विद ऑप्शन 48 मार्क्स में से हम लोगों को 16 मार्क्स अटेम्प्ट करना है बाकी सारे ऑप्शंस में। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 4 ए 3 दिया हुआ रहेगा, बी 3 दिया हुआ रहेगा, तो तीनों बिट में से सिर्फ एक हम लोगों को सॉल्व करना है, इन विच वी आर मच मोर श्योर एंड सर्टन, जो हम लोग कॉन्फिडेंटली जिसको डील कर सकते हैं उसी को करना रहेगा, ठीक। और फोर्थ सेक्शन जो है दैट इज ऑफ नॉवेल, इसकी भी 16 मार्क्स है। इन दिस वे 80 मार्क्स आर कवर्ड, ठीक है। अब हम लोगों का जो रहेगा सवाल, जैसे फर्स्ट सेक्शन अगर हम लोग बात करें प्रोज की, तो उसके अंदर कैसे उसको सॉल्व करना, तो यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में 6 एक्टिविटी A1, A2, A3, A4 एंड A6, A5 और A6। तो ये 6 एक्टिविटी एंड एवरी एक्टिविटी कैरीज व्हाट 2 मार्क्स, इन दिस वे 6 एक्टिविटीज 12 मार्क्स, ठीक, ए पार्ट के अंदर। तो क्या होता है इसके अंदर, तो पहला दिया हुआ है क्या, A1 दैट इज ऑफ व्हाट, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अब इसके अंदर सवाल पूछेगा कैसे, जो पेपर सेटर है वो कैसा सवाल पूछेगा, तो वो सवाल पूछेगा बिल्कुल ऐसा जो बैक नज़र आप जिसको तलाश कर लोगे, ढूंढ लोगे, और सारों के जवाब एक ही होंगे, यहाँ पर जवाब दूसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मुल्तजिम और यासर आप लोगों की मीटिंग उधर है ना, तो आप उधर अभी चले जाएं, है ना, ठीक, ऑफिस के बाजू में, ऑफिस के बाजू में चल रहा है वो, पेज ले जाए, आप पेज ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। A2, हाँ, तो इसके अंदर अब सवाल कैसा होता है, जवाब यक्षा कब होगा, जब वो पिन पॉइंटेड सवाल पूछा जाए तभी पॉसिबल होगा। तो इस वजह से इसका जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है, मैच द पेयर्स होती है, या फिर डायरेक्टली
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को क्या करना होता है, चढ़ती या उतरती तरतीब में हम लोगों को सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है। या फिर पूछता है क्या, ट्रू फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स, वो बताना होता है। तो सवाल हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे फौरी तौर पर हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हर सब्जेक्ट के सवाल या पेपर को अच्छी तरीके से डील करने का यही सबसे आसान और इजी तरीका है कि सवाल को ध्यान से पढ़ा जाए। वंस यू रीड, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आप पढ़ें उसको। दोबारा पढ़ने से कुछ ना कुछ सोच डेवलप होगी, और नहीं और अभी भी क्लियर हुआ तो तीसरी मर्तबा और आखिरी मर्तबा उसको पढ़ें। अब जो कुछ भी आपके माइंड में जो भी सेंस डेवलप हो रहा है उसी की रोशनी में उसका जवाब लिखें, पहली बात। लेकिन सवाल समझने के अंदर हम लोगों को सबसे ज्यादा हिंट मिलती है व्हाट अबाउट द इंस्ट्रक्शन, सवाल की इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है। जैसे यही A1 के अंदर कभी कभी पूछता है कि फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, विच सेंटेंसेस आर ट्रू एंड फॉल्स, एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर मैं यहीं तक के पढ़ कर कर रुक जाऊंगा और फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लूँ कि हाँ ये जुमला फॉल्स है, ये करेक्ट है, ये फॉल्स है, ये करेक्ट है, लेकिन आगे की इंस्ट्रक्शन अगर मैं स्किप कर देता हूँ तो इतनी बात है मार्क्स नहीं मिलेगी। क्यों? आगे की इंस्ट्रक्शन में मार्क्स छुपी हुई है कि करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब यह है कि मुझको सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको करेक्ट करके दे लिखूंगा, तब कहीं जाकर के मुझको फुल मार्क्स अलॉट होगी। तो इसलिए सब फुल मार्क्स हासिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन का समझना और फिर सवाल का जवाब लिखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकंड वन इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। इसके अंदर वो सवाल पूछे जाएंगे जो हम लोगों को एग्जैक्टली पूरे के पूरे मिल जाएंगे, किसमें, पैसेज में, एक्सट्रैक्ट में, बराबर उसी के अंदर रहेंगे। A1 का भी उसी में रहेगा 100%, A2 का भी उसी के अंदर रहेगा हम लोगों को। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अब थोड़ा बढ़ा देगा, मीन्स आगे पीछे हो सकता है जवाब, तो उसको हम लोगों को तलाश करके लिखना रहेगा, ठीक। अब तलाश भी कैसे करना, तो हम लोग लोअर क्लासेस के अंदर क्या किया करते थे कि जो सवाल के अंदर जो लफ्ज है वो लफ्ज देखा करते थे, ढूंढा करते थे, किसमें, पैसेज में, जहाँ दिख गया गचंडी पकड़ के आगे पीछे का लिख के छुट्टी कर देते, बराबर। बट इन 11th 12th दिस विल नॉट डू, 11th 12th में ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब हम लोगों को एज पर द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो उसका एकदम आसान सा तरीका है कि हर सवाल के अंदर जो एक आपको मिलेगा क्लू वर्ड, वो क्लू आपको बताएगा कि इसका जवाब कहां पर है। तो उसकी मदद से आप बहुत जल्दी एग्जैक्टली फौरी तौर पर पहुंच जाओगे उस जवाब तक। तो उसका इस्तेमाल करना रहेगा हम लोगों को। अच्छा, 2 मार्क्स है तो आमतौर पे ये सवाल आता है कि कितना लिखना 2 मार्क्स के लिए, क्या आधा पेज लिखना हम लोगों को। तो ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक रफली एस्टिमेट अगर आप देखोगे तो 1 मार्क्स के लिए हम लोगों को 2 सेंटेंस लिखना रहेगा। अगर 2 मार्क्स है तो 4 सेंटेंसेस, दैट इज एनफ फॉर दैट, ठीक है। A3 जो है वो इन्फरेंस का है या ऑब्लिक दे के लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस। इन्फरेंस मीन्स व्हाट, आपके उस सवाल पढ़कर के क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बराबर। जैसे अगर मैं कहूं आप लोगों को कि अभी मुस्तकीम डिग्नी जी साहब आए थे, हुए थे, ठीक है, तो ये इनकी अभी बहुत बड़ी कोशिश चल रही है कि जो लोग भी सलाखों के पीछे है उनको निकाला जाए। तो सलाखों के पीछे है तो कौन, क्या मतलब निकलेगा, जो सलाखों के पीछे हैं तो उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मतलब निकलेगा इसका, सलाख के पीछे जेल में, एग्जैक्टली। तो मैंने लफ्ज जेल नहीं बोला, लेकिन आपने उसको समझ लिया कि सलाख से मुराद क्या है, जेल की सलाखें हैं, इजंट इट। तो आपने इन्फर किया उसको। तो ऐसे ही सवाल पढ़कर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो उसके मुताबिक हम लोगों को जवाब लिखना होता है। इंटरप्रेट, थोड़ा हम लोगों को इंटरप्रेट करना होता है, बहस वैसा करना होता है, मिस समझने के लिए उस बात को तकरार करनी होती है,
या एनालिसिस, एनालिसिस कहते हैं तजिए को, बराबर। तो ये टाइप का जो सवाल रहेगा इसका मतलब, इसका जवाब लिखे जो होगा, यकीनी तौर पर हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा टेक्स्ट से जो दिया हुआ है हम लोगों को उसके अंदर से, और आधा जवाब हम लोगों को अपने तरफ से लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, तो आधा हिस्सा टेक्स्ट का रहेगा और आधा हिस्सा हमारे अपनी कोशिश का रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, इंटरप्रिटेशन, ठीक। अब यहां पर चूंकि आधा हिस्सा हम लोगों का हो गया है तो अब इसके बाद वाला सवाल अब क्या है, पूरा पूरा हम लोगों को अपनी तरफ से लिखना है, दैट इज व्हाट, पर्सनल रिस्पॉन्स। ये जो पर्सनल रिस्पॉन्स है ये होता बहुत आसान है, पर्सनल रिस्पॉन्स का जो सवाल होता है ये बहुत आसान होता है। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर लाया है क्या, एक क्वेश्चन पेपर कोई भी ऊपर का भेज दो तो ले आओ, तो खुद ब खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पर्सनल रिस्पॉन्स जो होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स, तो उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखो ये बच्चा जो लाया था, अब इसके अंदर मैं पर्सनल रिस्पॉन्स डायरेक्टली निकाल रहा हूं A4। अब ये दिया हुआ है, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। अब गिव इंफॉर्मेशन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। क्लास 12 में आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दो। मुश्किल है क्या? हाँ। अब क्या करना होगा कि सुनने में मुश्किल लग जा रहा है आसान, लेकिन अब हाउ टू आंसर दैट, उसको अब मुझको किसमें लिखना है, अंग्रेजी में, बराबर। इंग्लिश में लिखना है, अब कैसे लिखेंगे, आसान है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना है कि ठीक है, सो एंड सो सब्जेक्ट इज माय फेवरेट इन 12th। अब क्यों है, तो आमतौर पर सब्जेक्ट फेवरेट बनता है, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, या ये कि वो सब्जेक्ट के अंदर मालूमात बहुत अच्छी होती है, बराबर। तो आप उसी के बारे में आप सिर्फ लिख दो। अब लिखना कैसे, तो आसान तरीका उसका ये है कि छोटे छोटे हम लोगों को जुमले बना करके आप लिखो। बहुत ज़्यादा बड़ा जुमला लिखने जाऊंगा तो हो सकता है मुझसे गलती हो जावे, तो इसलिए क्या करना है, छोटे छोटे जुमले बना के लिखना है। कि मान लो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि उर्दू इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, एकदम तवक्के के बरखिलाफ़ मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश के अंदर है तो मुझको इंग्लिश का लिखूंगा तो मुझको ज्यादा मार्क्स मिलेगी ना, इट इज नॉट द केस एट ऑल। जो इंटेंशन ऑफ द पेपर सेटर है हम लोगों को उसकी परवाह नहीं करना है पर्सनल रिस्पॉन्स में। जो भी आपकी कहना चाहिए कि होगी मेंटेलिटी, जैसे आप लोगों का पहला चैप्टर कौन सा है, एस्ट्रोलॉजर का है, अब उसको उसने दे दिया क्वेश्चन, ये कर लिया आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में कि डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, क्वेश्चन मार्क दे दिया, एक्सप्लेन। अब उसने सिर्फ यस नो क्वेश्चन पूछा है लेकिन आगे एक्सप्लेन का लफ्ज दे करके, अब क्या हम लोगों को वहां पर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आमतौर से अब जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो लोग तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कहना चाहिए भरोसा रखते हैं, लेकिन हम बीइंग मुस्लिम हम लोग भरोसा नहीं रखते क्या भविष्यवाणी पर, है ना, फोरकास्ट फोरटेलिंग, इसके ऊपर हम लोग नहीं रखते। तो आप डायरेक्टली अगर उसको डायरेक्टली निगेटिव अगर लिखोगे तो भी आपकी मार्क्स कतई तौर पर कटेगी नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोगों को हाँ पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा कि हाँ चलो हाँ हम लोग लिख देना, ये इट इज टोटली फुल्ली अपॉन यू हाउ यू डील इट। तो अगर उसके 100% अपोज में लिखते हो और उसको बराबर आप एक्सप्लेन करते हो, लैंग्वेज सही है, 100% मार्क्स विल बी गिवन टू यू। तो यहां पर आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि नो आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज आई बिलीव इन माय ओन एफर्ट्स, बराबर। कि इफ आई विल वर्क हार्ड श्योरली आई विल मेक ब्राइटर फ्यूचर एंड इफ ऑल फैसिलिटीज आर विथ मी आई विल नॉट ट्राई आई विल लूज ऑल। ये तो मैं ज्यादा बढ़ा करके मैंने बता दिया, आप इससे कम भी लिखोगे देन ऑल्सो इट विल बी व्हाट एक्सेप्टेबल, लेकिन बस ये है कि जो भी मैं लिख रहा हूं
तो उससे कनेक्टिंग क्या है, मैं उसको आगे फर्दर कैरी कर सकूंगा। ठीक, तो यहां पर पर्सनल रिस्पॉन्स के अंदर सबसे आसान तरीका होता है ये कि हम लोग क्या करें उसको के छोटे छोटे जुमले में लिख करके। और इसीलिए पर्सनल रिस्पॉन्स का भी सवाल आप एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा पढ़ोगे, खुद ब खुद वो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का A4। A5 के अंदर है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी बोले तो क्या, यहां पर टेक्स्टुअल ग्रामर दिया हुआ रहेगा, जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसी के ऊपर से कहना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल बिट पूछ लेगा। यहां पर 2 मार्क्स के लिए होता है और इसी के बी पार्ट में B1 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स हो गई है। ठीक, तो ग्रामर क्या, अब ग्रामर के अंदर डायरेक्टली हो जाएगा, आर्टिकल से शुरू होगा और जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, यस, ग्रामर के अंदर जो भी हम लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आए वही सब है, कुछ नया इसके अंदर नहीं है। अब इसको सिर्फ क्या करना है हम लोगों को, इस चीज को हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। कोई नया कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं करना है। अच्छा, इसको भी सॉल्व करने के अंदर क्या है, बहुत आसान सा तरीका है, क्या के डायरेक्टली मैं क्या करूं, सबसे पहले कि अगर मुझको सॉल्व करना है ग्रामर का तो उसके अंदर मैं प्रॉब्लम लाइन को ना पढ़ूं, पहले पढ़ूं मैं किसको, जो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए क्या इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो आपके पास अगर कोई पेपर होगा या पेपर सॉल्व कर रहे थे आप लोगों को, या कोई ग्रामेटिकल बिट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं उसके अंदर कि सर ये चीज़ है, या कोई एग्जाम्पल होगी तो अगर आप लाए होंगे, क्योंकि दिखती बात है आप लोग आए हो इंग्लिश बोर्ड पेपर के गाइडेंस कहना चाहिए के लिए, तो पहले से कुछ ना कुछ आपके जहन में होगा, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग शेयर करें ग्रामर का कोई भी बिट, या जो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल गुजरता होगा। अब्दुलरहमान सर खड़े हुए हैं तो उनके थ्रू आप बता सकते हैं, यस, ग्रामर में कोई ऐसी चीज। हाँ, कोई भी एग्जाम का, एग्जाम पेपर आपका होगा तो उसके अंदर जो भी ग्रामर का की एक्टिविटी है उसके अंदर से आप पता पूछ सकते हैं। तो यहां फिर क्या है, आप लोगों को वो शो किया जाएगा कि उसको इजी कैसे बनाया जाए। और मैं चाहता हूं कि बजाय ये कि मेरे हाथ में जो अभी पेपर दिया बच्चे ने, मैं उसको बजाय सॉल्व करने के आपकी तरफ से आएगा, तो दैट विल बी व्हाट कि हाँ, एग्जाम हॉल में बैठ करके मैं ऑन द स्पॉट उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं समझ रहा हूं तो पूछिए आप। कोई भी पॉजिटिव होता है, यानी इसका इंडायरेक्ट मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कोई निगेटिविटी
नाउ मीन्स इसके अंदर नो नॉट नेवर नथिंग नीदर नॉट ऐसा कोई भी लफ्ज नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो अफर्मेटिव हो जाएगा बराबर सही है ना तो मैं जैसे ही ये चीज ध्यान में आती है मैं नीचे देखना शुरू करता हूँ तो पहले इसके अंदर कोई निगेटिव वर्ड नहीं जी तीसरे के अंदर नेवर है डायरेक्टली कट हो जाएगा उसके बाद फेल है निगेटिव है वो कट हो जाएगा बराबर तो जो जिसके अंदर निगेटिव लफ्ज नहीं है वो डायरी में पढ़ा भी है मैंने सवाल लेकिन क्या है सिर्फ मैंने उसको किस तरीके से सॉल्व करना उस तरीके को अपनाया तो बगैर पढ़े हुए भी हम लोग ग्रामर को सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसे सवाल की बात आएगी जिसमें चूज करना होगा तो मैं देख लू निगेटिव वर्ड है तो डायरी वो कट हो जाएगा तो हो गई नहीं मेरे जॉब दूसरे यहां पर दिया हुआ है चूज द ऑप्शन एंड शोइंग द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस तो एक जुमला दिया हुआ है एज सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन द सेल अब मैंने पढ़ा इंस्ट्रक्शन पहले उसके बाद मैंने क्या पढ़ा प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एज सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक मैं सिर्फ यूं लिखूंगा अ वेरी गुड रैंक अब क्या तलाश करना है उसको कि सही एक्सप्लेनेटरी कौन सा है नीचे दिए हुए चार ऑप्शंस में से तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मैं ये देखूंगा कि जुमला एक्सप्लेनेटरी का किससे बनता है दो ही वर्ड से बनता है व्हाट या हाउस वेरी गुड अब इसके अंदर आर्टिकल आ या एन है तो किससे बनेगा व्हाट से बनेगा वरना हाउस से बनेगा तो यहां पर आर्टिकल आ है तो ये किससे बनेगा वर्ड से अब मैं नीचे देखता हूं तो पहले ही उसको मिल जाता वर्ड से बना हुआ दूसरा देखता हूं तो वेन से कहमत तक के नहीं हो सकता है तो फिर हाउ से है लेकिन हाउ के साथ उसको लगा दिया है आ गलती के ऊपर एक और गलती जी तो हाउ आ गुड नहीं रहेगा फिर वाई वाई से बनता ही तो वहां से बच्चे क्या मतलब बोल रहे कि पागल तो नहीं वाई से नहीं बनेगा मीन्स वी टू हैव द क्लियर कट आइडिया हमारे से न्याय लेकिन सिर्फ उसको अमल में कैसे लाना है कि वर्ड वाला जो जुमला डायरी में क्या था उसको यस लिख तो हो गया खत्म बात पूरा पढ़ा भी नहीं मैंने ऑप्शंस पब्लिक करे टाइम नहीं ना ठीक अब इसका बीवन के अंदर अगर मैं देखता हूं तो दिखता है क्या रीराइट इजी का मॉडल ऑक्सिलरी जीरो थी कंपल्शन क्या दिया हुआ है रीराइट यूजिंग का मॉडल ऑक्सिलरी डिनोटिंग कंपल्शन और दिया हुआ है क्या स्टार्ट अ वेस्ट सेग्रीगेशन ऐसे कितने लिख रहा हूं पूरा जुमला भी नहीं लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कंपल्शन यूज करना है कौन सी होगी इसमें मस्त लगा है वाओ वेरी गुड बस लेकिन मसला ये है कि यहां पर तो कोई दूसरी ना हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है जहां पर मैं लगाऊं ना कोई दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है ये तो जुमले नया टाइप का देख रहे क्या स्टार्ट अ वेस्ट मींस डायरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो कौन से टाइप का जुमला है ये डायरी वर्ब से कौन सा जुमला शुरू होता है इंपेरेटिव सेंटेंस रुकनिया या इंतजाइया इजा के तो ये हमेशा क्या है यू को एड्रेस करता है बराबर तो अब डायरी उसको क्या करता रहेगा इससे पहले उसको लगाना पड़ेगा मॉडल ऑक्सिलरी कौन से ले ये डायरी तो यू मस्ट स्टार्ट पूरा तुम्हें वैसे ही क्या करना है नकल पढ़ देना ना स्पेलिंग मिस्टेक का कोई खतरा ना टेंस के अंदर कोई तब्दीली बराबर क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी जितनी भी 30 नंबर्स वो हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बराबर आप क्लास में आते हो तो क्या पूछते हो मे आई कम इन कभी सेकंड फॉर्म से पूछा गया मे आई केम इन सर या तो आप लोग यू मे गो कभी बोला गया यू मे वेंट यू मे गॉन कभी होते ही नहीं
तो हमेशा जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्या, रीराइट बिगिनिंग इन जुमला दिया हुआ है यूजिंग इंसेक्टिसाइड, यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स रियली एंड्स अप पॉइजनिंग द फैमिली, ठीक। क्या यूज करना है, इफ क्या होता है, इफ का मतलब अगर, अगर कोई भी जुमला बोलो आप, अगर आप अब से ही पढ़ाई शुरू कर दिए आप यूज कर एक्सपेक्ट कर रहे आगे देख कर क्या तो अच्छा हम लोगों को केमिस्ट्री परसेंटेज आएगा एग्जैक्टली। तो यहां ये मतलब है कि इफ डैगिंग आएगा इसके साथ, अगर मैं लगाऊंगा तो किसके साथ लगेगा, अब यहां पर दो मिनट सिंपल जुमला किसे कहते हैं, कौन सा साधन सिंपल जुमला की तीन किस्में, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो वो जुमला जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होता है बराबर, और फाइनाइट वर्ब होता है ठीक, और इसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो कौन सा जुमला होता है जिसके अंदर कंजंक्शन यूज होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो जुमलों को मिलाता है एंड और बट ठीक। और कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, जो ऐसा मीन्स कंजंक्शन होता है जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, मीन्स एक जुमला दूसरे टुकड़े का मोहताज होता है जुमला पूरा करने में, जैसे मैंने कहा था कि अगर के साथ, तो बराबर आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा, तो जब तक कि मैं दूसरा जुमला नहीं कहूंगा तो पहले जुमले का मतलब क्लियर होगा क्या, नहीं। ये है पूरा बेसिक कंसेप्ट। अब यहां पर क्या करना है, दो जुमले का एक जुमला बनाना है, उसका आसान तरीका यह है कि मैं क्या करूं, जो कंजंक्शन है उसको कट कर दूं एंड, जैसे मैंने दो काम किया, क्या अभी मैंने बच्चे से पेपर मंगाया, मैंने बच्चे से पेपर के लिए कहा, वो आया देने के लिए ठीक, दो जुमला ही मैंने क्या कहा, अब देखो ये जुमले को मैं कहता हूं, आई आस्क द पेपर एंड ही केम टू हैंड ओवर टू डिलीवर ठीक, ये दो जुमला। अब मुझको क्या है, इसको सिंपल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, तो उसका तरीका यह है कि जो दो काम है उसके अंदर मैं ये देखूं कि पहला काम कौन सा है, तो पहले काम को अगर मैं आईएनजी लगा देता हूं तो वो जीरण में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली दूसरे फाइनाइट वर्ब से मैं जुमला बना दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, एक फाइनाइट वाला मीन्स सिंपल बन जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये दोनों जो बात, एक तो मेरा पेपर मांगने का अमल है और दूसरा उसके आने का मल है, पहले कौन सा हुआ बराबर, कि पहले वो आया देने के लिए फिर मैं मांग रहे भाई दे रहे नहीं ना, तो अब मैं क्या करूंगा, अब आई आस्क की जगह हो जाएगी क्या, मैं आईएनजी लगाऊंगा तो आस्किंग द पेपर ही केम टू डिलीवर बराबर, तो क्या हो गया, अब ये एक फाइनाइट बन गया, यहां पर भी वही है सेम फंडा है, क्या इन्फॉर्म पीपल इन एडवांस एंड, तो एंड को खत्म करना है तो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मिंग पीपल इन एडवांस, गेट योर पूरा जुमला वैसी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इनफॉर्मिंग पीपल इन एडवांस गेट योर फ्रेंड्स टुगेदर टू पिक अप लिटर इन अ पब्लिक प्लेस, लंबा जुमला जो होता है ना वो पेपर सेटर सिर्फ और सिर्फ किस वजह से देता है, जस्ट टू उल्लू बनाई लोगों को क्या है, कंफ्यूज करने के लिए उल्लू बना ले, हम लोगों को पता है कि सिर्फ करना क्या है, बहुत कम ग्रामर के अंदर हम लोगों को पूरा पूरा जुमला पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज करना होता है, दैट इज नॉट द केस, बल्कि सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चेंज कहां होना है, जैसे ये जुमला दिया हुआ है कि यस यू मस्ट स्टार्ट
ठीक। तो ये तो हो गया किसका, मॉडल ऑक्सिलरी का। ठीक, तो अब अगर मुझको इसी जुमले को कहना चाहिए, करना रहेगा कि यू मस्ट स्टार्ट, इस जुमले को अगर मुझको कहना रहेगा कि यह टाइटल पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा? तो पूरा जुमला नहीं तब्दील होगा। तब्दीली कहां होगी? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। तो अब यहां पर सिर्फ यहां पर होगी, तो मुझको क्या करना रहेगा? सिर्फ ये करना रहेगा कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैव हैज होता है और पास्ट में होता है क्या? हैड। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिर्फ यहां लिख दूं, यू हैड स्टार्टेड, बराबर। बस पूरा जुमला चाहे दो लाइन का हो या दस लाइन का हो, दैट डजंट मैटर। तो क्या है, पूरे ये जुमला नहीं तब्दील होता, सिर्फ और सिर्फ तब्दील होता है जहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का बी वन। बी टू दिया हुआ है क्या? स्पॉट द एरर, एरर या ऑब्लिक दिया हुआ है, एरर्स एक भी हो सकती है गलती और एक से ज्यादा भी हो सकती है। इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि उसके अंदर एरर को फाइंड आउट करना है। अब जुमला किस तरीके से इसके अंदर पूछा जाएगा, कि एरर जान पूछ करके उसके अंदर दी हुई रहेगी, हम लोगों को वही चीज क्या करना है, फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक, जैसे यू इज लाफिंग ऑन द जोक, यस, कहां पर है गलती? इज क्या होगा फिर यहां पर? एग्जैक्टली, पर नजर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो वापस से ध्यान दो। क्यों? क्योंकि गलती बहुत छोटी हुई रहेगी, इसीलिए यहां पर एरर का है। एरर का मतलब गलती होता है, मिस्टेक का मतलब कुछ भी। तो आप देखो समझ में आ गया आप लोगों को कि दोनों गलती तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो एरर वो गलती होती है जो छोटी होती है, जो अवॉइडेबल होती है, जिसको हम लोग आमतौर से क्या है ध्यान भी नहीं देते, या जिसके लिए हम लोगों को सॉरी भी एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता है, उसे कहते हैं एरर। और मिस्टेक वो होती है जो डायरेक्टली जिसके लिए हम लोगों को पार्डन एक्सप्रेस करना पड़ता है, सॉरी एक्सप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि क्या रहेगा। अब ये कि यस दोज टू स्टूडेंट्स आर talking among each other, yes, those two students are talking among each other, पहली जो गलती थी हम लोगों ने देखा कि वो टेंस का हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब आपने गलत इस्तेमाल किया साहब, इसमें क्या गलती है? तो अब यहां पर टू स्टूडेंट्स हैं और उसके लिए उसने यूज किया है क्या, विच इज रॉन्ग वन। जब दो लोग के दरमियान की बात आती है तो क्या आता है? वेरी गुड, देखो है बिटवीन आएगा। और यहां पर क्या किया उसने? अमंग। तो उसको सिखाने गया कि वहां वो अमंग नहीं आएगा बावले, बिटवीन आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? दोज टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन बिटवीन, यस। तो ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशनल क्या है? वो भी एरर हो सकता है। ठीक,
अब ये होगा कि इसके अंदर जो दिया हुआ है, राम माय ग्रैंडसन इज अकस्टम विथ हार्ड वर्क्स, विथ हार्ड वर्क दिया हुआ है, ठीक। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी एक्चुअली उसने प्रीपोजिशन में क्या है, मिस्टेक किया है। मेन है कि राम माय ग्रैंडसन इज अकस्टम टू हार्ड वर्क्स, टू तो विथ उसने लिख दिया है, ठीक बराबर। जैसे अगर मैं कहूंगे यू ऑल आर सिटिंग ऑन मैट, ठीक, लेकिन बजाय इसके बोल देगा वो कि यू आर सिटिंग इन मैट, सही रहेगा क्या? ऑन सही रहेगा कि आप चटाई पर बैठे, बराबर। अब तो ये क्या है प्रीपोजिशनल, तो यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या है। तो एक मरतबा रीड करूं मैं, नहीं समझ में आया दोबारा रीड करूं, तीन मरतबा रीड करूं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि रूल ये है कि व्हाट एवर माय इयर्स आर फीलिंग समथिंग प्रॉब्लमेटिक, कि बात के अंदर जहां कुछ कान को ओवर लगे, देर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। पढ़ने के अंदर जहां भी मेरी नजर रुक जा रही है, देर मस्ट बी अ प्रॉब्लम, बराबर। दिस इज व्हाट द इनसाइट, ठीक। फिर उसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर टू हम लोगों का कौन सा है, ये भी पूरा एज इट इज रहेगा। कैसा रहेगा? पूरा मुकम्मल वैसे ही रहेगा, A1 से लेके A6 तक सारी एक्टिविटीज वैसी ही रहेगी। हाँ, इसके अंदर जो बी पार्ट दिया हुआ है क्या, समरी के अंदर देखो आप लोगों के पास जो दो पेज दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर टू बी समरी राइटिंग। तो समरी कैसे लिखना है, सबसे पहले वो मार्किंग स्कीम उसने डिवाइड की है किसमें, उसने दिया हुआ है टाइटल। हम लोगों को टाइटल सबसे पहले पूछना पड़ेगा समरी के अंदर, क्योंकि समरी किसकी लिखी जाती है, अनसीन पैसेज की, बराबर। अब इसका टाइटल कहां से लाओगे आप, पैसेज में कहां से? हाँ, तो बहुत सारे रसायल और जरीदे के अंदर होता है अनुमान दीजिए मुकाबला, तो उसको बहुत अच्छी से पढ़ा जाता है, फिर बहुत ज्यादा सोच विचार करके बहुत मुहावराती जबान इस्तेमाल करके अनुमान दीजिए मुकाबला, फिर उसका कहना चाहिए इनाम वगैरह मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को पहली ही लाइन के अंदर उसका टाइटल मिल जाएगा या सेकंड लाइन में, वरना 101% शुरू की तीन लाइन में आपको उसका टाइटल मिल ही जाएगा, बराबर। वरना आपने क्वेश्चन नंबर टू ए जब सॉल्व किया है, तो आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल करो कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, कि पैसेज किसके बारे में, जो आया टाइटली आप दे दो उसका टाइटल, और फिर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, कि डायरेक्टली उसको आप टाइटल लिखने के बाद एक पैराग्राफ के अंदर उसके अंदर सारे मेन पॉइंट्स को इनलिस्ट करना है, कितना, 7 से 8 लाइन, और उसको डायरेक्टली बॉक्स बना करके आप इंक्लोज कर दो उसको। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट्स आपको कहां मिलेंगे, तो बाज मरदा क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, तो फॉलोइंग पॉइंट्स दिया हुआ है तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल गई, वही पॉइंट्स को आप डील कर लो वहां पर। नहीं दिया हुआ है अगर, तो भी एक आसान सा तरीका यह है कि जिस जब आपने सॉल्व किया था इसका A1, A2, A3, A4, तो उसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो उसको क्या है जुमले के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आमतौर पर क्या होता है, जो A1 होता है उसके अंदर अक्सर डायग्राम दी हुई होती है, बराबर। तो डायग्राम दी हुई है तो डायग्राम में ही हम लोग जवाब भी लिखते हैं, तो उसको जुमले के अंदर आप कन्वर्ट करके सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर सारे चार क्वेश्चंस के जो आंसर आपने लिखा है उसके पॉइंट्स आप दे, हो गया आपका क्या, समराइज हो गया।
क्योंकि समरी के अंदर मेन चीज ये है कि देयर मस्ट बी व्हाट द मेन पॉइंट्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के मेन पॉइंट सवाल आप पूछे ही मेन पॉइंट्स पे जाते हैं, वो पॉइंट आ गए मैक्सिमम, ठीक। तो इस तरीके से उसको लिख करके आप लोगों को करना है, क्योंकि देखो दूसरा दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन और कवरिंग मेन पॉइंट्स विद स्टाइल एंड ग्रामर। तो यहां पर हम लोगों को उसका प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है कि एक ही पैराग्राफ, क्योंकि जो सवाल है उसके अंदर 250 से 300 वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, मींस 35 से 40 लाइंस रहेगी, हम लोगों को सिर्फ लिखना है 7 से 8 लाइन, यस 10 लाइन मैक्सिमम, ठीक, उतने के अंदर वो हो जाता है। इसका दूसरा दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 सी, माइंड मैपिंग, बराबर। माइंड मैपिंग क्या है, माइंड मैपिंग एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थॉट्स। अगर दिया हुआ है हम लोगों को एक्सट्रैक्ट, तो उसके मेन पॉइंट्स हम लोगों को लिख करके डायरेक्टली क्या करना है, उसी के अंदर लिख देना है, ठीक। लेकिन यहां पर पहला जो दिया हुआ है क्या, प्रेजेंटेशन, माइंड मैपिंग के अंदर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जिस भी शक्ल के अंदर आप उसको इजी बना रहे हो, क्या मतलब कि चाहे आप उसको सर्कल के अंदर आप बना रहे हो कि जैसे ये जो बच्चा दिया था, तो इसने इसके अंदर माइंड मैपिंग के लिए दिया हुआ है डायरेक्टली टेक्सटाइल वाला सवाल है, ठीक, कि आफ्टर योर 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन सम ऑफ यू माइंड बी थिंकिंग टू मेक योर करियर इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स, इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू स्टडी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग टू मेक योर करियर इन फैशन डिजाइन। तो यहां पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिडल में लिख लिया आपने, उसको कहना चाहिए ब्रांचिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या है कॉमन को यह कहना चाहिए पॉइंट होता है कि इसकी 2 से 3 ब्रांचिंग और उसकी 2 से 3 सब ब्रांचिंग करनी है। तो आप अगर उसको दे रहे हो सर्कल के अंदर, ओवल शेप के अंदर, फ्लावर की शक्ल के अंदर, क्लाउड बनाकर के अंदर, या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वैसे बना रहे हो, तो उसको पूरा वैसे ही डील करो, मेन दे दिया, फिर उसके बाद उसकी 2-3 ब्रांचिंग हो गई, फिर 3 ब्रांचिंग की फिर क्या है सब ब्रांचिंग, ठीक। अब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तो डायरेक्टली आपने कर दिया क्या, डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, बराबर। तो फैशन डिजाइनिंग आपने दे दी, तो फिर डायरेक्टली क्या है फॉर कैजुअल, फॉर पार्टी वियर्स, फॉर सेलिब्रिटीज, उसके अंदर आप जितना भी बाइफरकेशन करते चले जाओगे तो उसको सब पॉइंट्स के अंदर सिर्फ आप उसको एडलिस्ट करते चले जाओ, आपका ये जो माइंड मैपिंग के वेब जो है वो डेवलप होती चली जाएगी, क्योंकि यही इसका पहला है प्रेजेंटेशन और फिर मेन पॉइंट्स एंड कवरिंग ऑल पॉइंट्स। यहां पर एक सवाल कॉमनली पूछते हैं बच्चे कि ट्रू फॉल्स, जिस तरीके से साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि आमतौर पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाला और लिख दिया ट्रू या फॉल्स, इंग्लिश में ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होता, पूरा जुमला लिखने के बाद उसको ट्रू या फॉल्स लिखो, पहली बार। दूसरा ये कि बाज मर्तबा होता है जैसे इसी के अंदर दिया हुआ है A1 एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बीच में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ लेट राइजिंग और 4 उसने बॉक्सेस बनाए हुए हैं एम्प्टी। तो बच्चे ये पूछते हैं कि हम लोग बॉक्स ना बनाते हुए डायरेक्टली पॉइंट के अंदर लिख देंगे तो आंसर तो हो गया ना, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसका आंसर ग्राफिकल ही एक्सेप्टेबल होगा, आप उसको पॉइंट वाइज ना दें। इसीलिए A1 के अंदर जो दिया हुआ है ना, तो वो फिगर बनानी पड़ेगी, उसी के अंदर आपको क्या है मार्क्स दो, समझ में आ रही बात। तो इसको इस तरीके से आप लोगों को डील करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक, जो कि हम लोगों का है क्या सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। सो आई होप अगर इसके अंदर कोई आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क।
कोई प्रॉब्लम? माइंड मैपिंग, देखो माइंड मैपिंग के अंदर ये एक वो चीज है जिसके अंदर हम लोगों को इंग्लिश के अंदर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें रफ वर्क कैसे करना होगा, इस तरीके से पहले हम लोग देखते हैं कि किस उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, कितने पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे, फिर कैसे आएंगे। तो पहले तो प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, आप उसको क्लाउड पोजीशन में देते हो, मींस ठीक है आपने पहला पॉइंट लिखा, उसका आपने पिन किया, ठीक। अब यहां पर भी क्या रहेगा, क्लाउड रहेगा, ठीक। तो वो क्लाउड फिर उसके अंदर जो रहेगा उसकी सब ब्रांचिंग। अब अगर आपको वो चेंज करना है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली, तो ये जो वे है, अब इलेक्ट्रिसिटी तो ये तो ठीक सब जगह रहेगा, अगर आप बलून बना रहे हो तो हर जगह बलून रहेगा। ये प्रेजेंटेशन आपने उसको चूज कर लिया इस तरीके से मुझको करना, लेकिन उसकी ब्रांचिंग तो रहेगी, मेन टॉपिक उसकी ब्रांचिंग, उसके सब ब्रांचिंग, उसके सब पॉइंट्स। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर योर क्लब, तो यहां पर आ जाएगा ये मेन पॉइंट है फर्स्ट प्रिपरेशन, तो उसके अंदर एक एक पॉइंट आपके लिए होगी कि स्टडी, ठीक आपने स्टडी। आपने दूसरा किया के रिटर्न प्रैक्टिस, तीसरा आपने ऊपर दे दिया क्या के कंप्लीशन ऑफ जनरल एंड प्रैक्टिकल, तीनों तो भी प्लस रिटर्न इसलिए छोड़ नहीं सकते। अब इसके अंदर सब ब्रांचिंग आ जाएगी के प्रैक्टिकल आपने किया, अब उसके अंदर सब ब्रांचिंग निकल जाएगी इसकी के फिजिक्स प्रैक्टिकल मींस फिजिकल शीट्स, ठीक। फिर जो रहेगा ये आप आर एनर्जी साइंस के नहीं हो, आर्ट्स के हो तो एनवायरमेंट कहना चाहिए वो रहेगा जनरल, ठीक। एनवायरमेंट का वो कंप्लीट करना है, वो सबमिट करना रहता है, सेमिनार पर हमें सबमिट करना रहता है, ठीक। बिल्डिंग के जगह पर रजिस्टर जमा करना रहता है, ठीक। इस तरीके के अंदर दूसरी सब ब्रांचिंग में निकल जाएगा क्या के लाउड रीडिंग साइलेंट रीडिंग बराबर, तो हाउ मेनी आर्ट्स रिटन रीडिंग। रिटन प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा क्या के डेली जो आप लिखोगे पढ़ोगे उसकी रिटन प्रैक्टिस करोगे, रिटन प्रैक्टिस में आ जाएगा कि पेपर सॉल्व करोगे आप बराबर, तो ये कहना चाहिए कि उसकी दूसरी हो गई। तो यहाँ पर एक जो तरीका ये जो मैं कह रहा हूँ ये एक अलग है ये अलग है, एक कोई भी चीज मिक्स करके उसी को क्या है ब्रांचिंग, और फिर उसकी ही सब ब्रांचिंग और उसके अंदर पॉइंट्स को इनलिस्ट करना। तो जिस तरीके से वो हम लोग क्या करते हैं, तो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, अब उसको समराइज कैसे करते हैं, उसको डायग्राम फ्लो चार्ट के जरिए से बराबर या ट्री डायग्राम के जरिए से हम लोग एक पेपर के ऊपर लेकर आ जाते हैं। हम लोग अपनी रेडीमेड कॉपी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि पिन पॉइंट्स के ये इससे रिलेटेड है, हाँ इसके बाद ये कहना चाहिए रहेगा, इससे ये थ्योरी जुड़ी हुई है, इससे ये इसकी डेफिनेशन ये रहेगी। तो शॉर्ट के अंदर जो हम लोग कहते हैं तो इसी जो इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ये कहलाता है इनका माइंड मैप, समझना है। तो यहाँ उसकी मदद से आप पूरे चैप्टर को किस तरीके से आसानी के साथ समझ सकते हो उसको प्रेजेंट कर रहा है जो माइंड मैप भी कहलाता है, ठीक है। यस एनी अदर सर, ये स्पेस टेम्पररी स्पॉन्सर ऑफ आइडिया, सो एज एक्सप्लेन करेंगे।
एक्सपांशन ऑफ आइडिया वो अभी आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है इसके लिए स्पेशल आपके पास टीचर्स हैं। यस मैम पूरा भी शुरू से वो चलेगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 2 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं किसी और भी सर क्वेश्चन नंबर 2 में एस नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में ए 2 में क्वेश्चन नंबर 2 एस ए सी हां तो मेष का कॉलम हां बोलो उसके बारे में बताओ सर मेष का कॉलम वो अब उसके अंदर देखो क्या देगा ए में क्या प्रयोग बी में क्या प्रयोग वगैरह ऐसे नहीं रहेगा क्या है इसमें एवर एक फर्स्ट में जस्टिफिकेशन अच्छा नहीं वही चीज तो आपने किए देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ना है देखो वे मेज द वर्ड्स इन कॉलम में विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम में क्लियर हो जाता है। मैं इसीलिए कहा कि पहले इंस्ट्रक्शन उनको पढ़ना है तो समझ में आ जाए कि एक कॉलम ए के अंदर वर्ड भी होगा दूसरे में उसकी मीनिंग भी हुई है तो ऑटोमेटिकली कॉलम का प्रॉब्लम को मैच होना शुरू हो जाएगी। जैसे दिया हुआ जस्टिफिकेशन तो जस्टिफिकेशन मींस व्हाट ऑप्शन बी क्लैरिफिकेशन आएगा। दूसरा जो है ऑडिटीज ऑडिटीज आएगा सी स्ट्रेंज थिंग्स स्लंबर भी होगा थर्ड नंबर पे। स्लंबर का मतलब ये होता है क्या आप लोग देखते हो पहली तो मोबाइल के ऊपर आपने जब आप फोन लगाते हो क्या आराम उसके अंदर स्क्रीन पर स्नो ये सब आता है स्लंबर है ना 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 स्लीप स्लंबर रिलेटेड विद स्लीप। हाँ श्रब ऑफ जो है वो है वो मैच करता है नहीं ये दोनों पॉसिबल अगर ये दिया गया फ्रॉम द पैसेज ढूंढना है तो ये क्या है लैंग्वेज हिस्ट्री के अंदर आता है ठीक है तो लैंग्वेज हिस्ट्री के अंदर वो क्लेरिफाई करेगा कि फ्रॉम द पैसेज तो मैं बाउंड हो गया पैसेज से ही ढूंढ कर लेना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है वो ऐसी कोई कंडीशन है मींस अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट लेकिन वो वर्ड्स टेक्स्ट के ही ये बच्चे के जहन में जो था वो ये आ सकता है कि सर जब इसका मतलब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि इसका मतलब ये आ रहा है वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब कैसे समझेंगे। एकदम आसान है मैं एज अ टीचर भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि जो पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट सब चीज मुझको आता है मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता तो कोई नया वर्ड आया होगा तो ऐसा तो वर्ड आए तो क्या करें वहां जितनी बात है कि मैं एक घंटे के बोल जाऊं कि अरे यार तो मुझे गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं खत्म होगी बात ना। तो अब ये वर्ड आगे जो शब्द ऑफ आगे है बराबर तो मैं एकदम आसान तरीका देखो पैसेज में कहा है पैसेज में जैसे ही आप चाहोगे शब्द ऑफ देखने के लिए तो जहां पर भी आएगा देखो पेज के अंदर डायरेक्टली फौरी तौर पर बीच में ही मिल गया तो श्रब ऑफ एंड डिजायर मिला पेज नंबर 3 पर ही मिल गया होगा बीच में यानी नीचे से देखो देखो दो चार छठी लाइन मिला। अब देखो कैसे उसको हम लोगों को समझना है कि शी वुड जस्ट नॉट बी एबल टू श्रब ऑफ द डिजायर टू स्लीप अ वाइल्ड कि वो थोड़ा सा और मजीद सोने की ख्वाहिश से छुटकारा नहीं पाने पाती थी तो कुछ सहन में आ जाता है कि वो तर्क नहीं करने पाती थी यानी थोड़ा सा और सो क्योंकि सोने के बाद हम लोग उठते हैं दौड़ खड़े करिए हम लोग अपना भी आगे देते हैं यहाँ पर दो मिनट अरे अपा साहब उधर हो गया आप उसको उठा दे हम पर आधा घंटा के तो शरब ऑफ तो वहां से हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्ट वर्ड का मतलब नहीं पता थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे कि व्हाट इट शुड मीन क्या मतलब हो सकता है एक एंटीसिपेट करके हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं ठीक
थैंक यू। यस एनी अदर हो गया आई वुड लाइक टू आस्क हाउ मेनी सर गाइस इफ देयर आर सर टू कंटिन्यू द वर्क तो हमारा अच्छा खासा पिक्चर चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, गाइडेंस हो रहा है। इसमें आपको प्रोस सेक्शन जैसे जो हमारा लेसन है वो लेसन का हाउ टू सॉल्व ये थोड़ा सा एक हमारा लेक्चर हुआ और हमें ऐसा लगता है कि आप सब जा रहे हैं नहीं आवाज नहीं पहुंची क्या वाकई में पीछे आवाज आ रहे क्या? अच्छा जाग रहे चलिए हाँ दानिश माशाल्लाह जाग रहे दानिश भी है तो दानिश मंदिर का सबूत भी देंगे इंशाल्लाह है ना। और यहाँ पर काफी अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं फैसला भी है फैसला करने वाले लोग भी हैं और लोग भी हैं तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ। देखते हैं आप लोग जाग रहे हैं सो रहे हैं तो हमारी आवाज पे कितना क्विकली आप बॉयज जितने बॉयज हैं कितना क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं चेक करते हैं हमारे सर भी चेक करना चाह रहे हैं आप लोगों को तो चेक करते हैं कि आप लोग कितना क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं। वैसा वैसा मजा नहीं आया जैसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया क्या सर क्या बोल रहे नहीं ना चलिए फिर से देखते हैं क्या करते हैं आप अगला ऑर्डर सुनते हैं आप स्टैंड अप क्या ओके sit down stand up कुछ बच्चों को शायद पैर में तकलीफ है क्या ऐसा लग रहा है कि पैर में तकलीफ है शायद है ना sit down वो जीन्स का मसला है ऐसा चलिए ठीक है थोड़ा हम भी फ्रेश हो गए आप भी फ्रेश हो गए देखिए अभी अभी तो आपको गाइडेंस दिया वो हमारे लेसन को लेकर सेक्शन को ले करके वो था जिसमें आपको सभा को कैसे डील करना है उसमें ग्रामर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप कैसे डील करोगे उसके अवसर में बता रहे समरी राइटिंग जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आप कैसे डील करोगे अगर आप बहुत पहले क्वेश्चन में बताया कि समरी में आपको 1 मार्क्स मिल रही है टाइटल को 1 मार्क्स मिल रही है प्रेजेंटेशन को 1 मार्क्स मिल रही है कवरिंग ऑल पॉइंट्स को सुन रहे हैं क्या सब रिपीट करता हूँ 1 मार्क्स है टाइटल को 1 मार्क्स है प्रेजेंटेशन को 1 मार्क्स है कवरिंग ऑल पॉइंट्स तो मैं नहीं समझता कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा होगा जो पैराग्राफ का टाइटल लिखने के लायक ना हो है कोई ऐसा जो पैराग्राफ का टाइटल ना दे पाए है कोई ऐसा तो बताएं हम आपको तरीका बता दें किसी को ऐसा लगता है कि मैं टाइटल नहीं लिख पाऊंगा समरी का सब लिख सकते हैं ना पैराग्राफ की शुरू की 2 या 3 लाइन पढ़ो क्या तो वहीं एक टाइटल आपको मिल जाएगा या आपको समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ किस चीज के बारे में है बस उसे करीब करीब आप सिर्फ टाइटल दे दो तो अगर आपने सिर्फ टाइटल दे दिया तो 1 मार्क्स मिल जाती है
अब मान ले मैं ऐसा बच्चा हूँ क्लास का, अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं ऐसा बच्चा हूँ अपनी क्लास का जिसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि कोई देखे तो पढ़ बराबर लेगा, बराबर। तो आधी मार्क्स मेरी कटेगी क्योंकि शायद हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए प्रेजेंटेशन पे असर पड़ेगा। अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो कोई मसला ही नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा जाने वाला है। प्रेजेंटेशन में क्या समझ में आता है, नो ओवर राइटिंग, नो काट छाट, है ना, और उस पर नीट एंड क्लीन लिखना, साफ सुथरा लिखे, काट छाट नहीं करें, ओवर राइटिंग नहीं करें। बहुत सारे बच्चे कभी कोई लगे इतने को काट कर देते हैं, ऐसा काटते हैं जैसा इसको सूरज की रोशनी में देखे तो लिखता भी नहीं है पीछे क्या लिखा होगा, क्या मतलब एग्जाम्पल उससे क्या लेना देना, एग्जाम्पल को उसने कोई लेना देना नहीं। अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होगी गलत हो गया, सिंपली एक लकीर से कट कीजिए, ये प्रेजेंटेशन में काउंट हो जाएगा, है ना। अगर आपने उसको रब कर दिया ना तो गंदगी में शुमार होगा, फिर एग्जाम्पल को मौका मिलेगा आधी मार्क्स बैठ कर देना। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा पेपर में, अगर आपसे रॉन्ग होता है ना बस एक लकीर से उसको बैठ करना है, ये होता है कट। एग्जाम्पल समझ गया कि बच्चे को इतना काम कर रहा है, वही रिजेक्ट करना होता है उसको। तीसरी मार्क्स है पॉइंट्स। अब मान लीजिए कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए, एग्जाम्पल क्या करेगा, आधी मार्क्स काटेगा, जोड़ते मार्क्स कितनी भी टीम में से, टाइटल में एक मार्क्स, आधी मार्क्स कटी डेढ़ मार्क्स, आधी मार्क्स की कटी दो मार्क्स। अगर टीम में से किसी बच्चे को दो मार्क्स मिल रही है तो कैसा पेपर माना जाना चाहिए, सके और अच्छा पेपर रहेगा। अगर किसी बच्चे को तीन में से दो मार्क्स मिल रही है तो वो 50% के ऊपर चल रहा है, क्योंकि तीन का 50 देर होता है, मतलब 60% और 65% के केस में होता है। आई बात समझ में, बिल्कुल वैसे ही आपका माइंड रहता है, आपने जो डायग्राम बनाया वो प्रेजेंटेशन नीड एंड क्लीन हो, ओवर राइटिंग ना हो, काट छाट ना हो, उसको आपने बहुत ज्यादा गंदा ना किया हो, एक मार्क्स। आपने मेन पॉइंट्स लिखे हैं एक मार्क्स, उसके सब पॉइंट्स लिखे हैं एक मार्क्स, तो इतने पर यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप आसानी से दो मार्क्स तक जा सकते हैं, तो तीन में से दो मिलती है तो अच्छा पेपर माना जाता है। अब आता हूँ मेरा सेक्शन है, उस पर थोड़ी बात करता हूँ। अगला सेकंड सेक्शन है पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन जिसमें आपको पॉइंट पूछी जाने, पोएट्री सेक्शन को कितना वेटेज है, पोएट्री सेक्शन को कितना वेटेज है मार्क्स का, कोई बच्चा बताए, हाँ वेरी गुड, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स का वेटेज है। कैसे है, 10+4 क्वेश्चन 3A, एक पॉइंट पूछी जाएगी क्वेश्चन आंसर के लिए, क्वेश्चन 3B 4 मार्क्स के लिए, दूसरी पॉइंट पूछी जाएगी एप्रिसिएशन लिखने के लिए। टोटल हमारे सिलेबस में कोर्स बुक में कितनी पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, राइट, 10 है ना, हाँ कितनी है, 10 पॉइंट है। मैंने कहा जैसे मुझे आंसर दिया नहीं था, 6 पॉइंट है, फिर बताया कितनी पॉइंट है, वेरी गुड, 8 पॉइंट्स हैं, एक 7 और एक 8, 8 पॉइंट्स हैं सिलेबस में, ठीक है। वो 8 पॉइंट्स में से दो पूछी जानी है, वो दो में से एक क्वेश्चन आंसर के लिए, दूसरी एप्रिसिएशन के लिए। तो पहली पॉइंट तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी बुक में कितनी पॉइंट्स हैं, 8, तो पहली कौन सी है, वेरी गुड, अल्पावश और अच्छे, सॉल्व ऑफ द ओपन डोर एंड चूज द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट शायद का नाम, वेरी गुड, विटमन, अमेरिकन पॉइंट है वॉल्ट विटमन, ओके। सेकेंड पॉइंट इंडियन बीवर्स, इंडियन बीवर्स पॉइंट, वेरी गुड, सरोजिनी नायडू। थर्ड पॉइंट द इंच केप रॉक पॉइंट, वेरी गुड, रॉबर्ट सॉन्ग। फोर्थ पॉइंट वेरी गुड, हैव यू हर्ड योर टुमारो एंड पॉइंट इज एक्टर गेस्ट, गेस्ट से आप सबसे बड़ा सुना है, गेस्ट यानी मेहमान, है ना, वही स्पेलिंग है।
Yes. Fifth point. Very good. Father returning home. And the point is? Area point. Dilip Chitre. Sixth. Money. Point is? William H. Davies. Very good. Seventh point. She was in great beauty. And the point is? And the point is? नहीं पढ़ पा रहा मैं जॉर्ज लॉर्ड बायरन जॉर्ज बायरन है रोमांटिक पोएट और लास्ट पोएम बड़ी अच्छी सी तस्वीर और फिगर बनी हुई है दरख्त बने हुए हैं पहाड़ बना हुआ है नदी बह रही है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स एंड द पोएट इज नॉन डाई हो गया आठ पॉइंट है आठ पॉइंट के नाम आपको याद रखना है क्यों इसको एक मार्क्स है इसलिए मैंने रिवाइज किया अभी कि आपको एक मार्क्स उसके मिलिंग है अगर आप लिखते हो तो आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं आप एक छोटा सा कागज बनाइए जो आपके पॉकेट में समाता हो उस पर आप हर एक पॉइंट का नाम लिखिए पॉइंट का नाम लिखिए मैं बैठा बैठा देखो वही कर रहा था मैं अपनी रेवी चेक कर रहा था मुझे याद है ताकि आपको मुझे सारा ना लेना पड़े तो मैंने पहले था इतना बड़े कागज आपको लिखेगा छोटा इस पर आप क्या करो सारी पॉइंट के टाइटल्स लिख लो उसके सामने उसका नाम लिख लो आपका नाम हो जाएगा एक मार्क्स प्लस परीक्षा ठीक है एक मार्क्स बढ़ोतना है एक मार्क्स जमा कर दूंगा पास करना अच्छे मार्क्स भी मिला दीजिए दूसरा अब उसमें एक पॉइंट पूछेगा आपको और उस पॉइंट में पहला आपको क्वेश्चन रहेगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एवं अभी सर ने बताया ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्या होगा ग्लोबल वर्ड बना है ग्लोब से ग्लोब मींस बताइए ग्लोब मींस ग्लोब किसको कहते हैं हाँ हमारी जो अर्थ है जमीन है दुनिया है जो सर्कुलर शेप में है सर्कल फॉर्म में है उसको हम कहते हैं ग्लोब है तो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन क्या होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सबका सेम आता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी भी बच्चे से पूछ लो हर एक का आंसर सेम आएगा क्यों क्योंकि वो स्टैंडर्ड से टिकाउट करके लिखना होता है वहां से निकाल करके उसका जवाब लिखना होता है और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का आंसर पहले भी बताया वही बात रिपीट हो जाएगी कि आपको उस एग्जाम में पहले याद किया उसका आंसर मिल जाएगा सिर्फ आपको ढूंढना है मतलब आपको यहाँ पर ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज नहीं है बहुत सहन लगाना है सोच विचार करना ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको ढूंढना है मेंटल प्रिपेयरिंग है वहां से आंसर सेलेक्ट करके लिख देना है जैसे फॉर एग्जाम्पल पोएम का पहला क्वेश्चन केवल क्या हो सकता है पिक आउट द लाइन विच शोज केयर फॉर अदर्स पिक आउट द लाइन विच शोज केयर फॉर अदर्स सम ऑफ यू ओपन बोर्ड से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं कि उसमें सवाल इस तरह से कि ऐसी लाइन ढूंढ करके लिखिए जिसमें पोएम शो करता है केयर फॉर अदर्स दूसरों के लिए केयर करता है ऐसी कौन सी लाइन सेकेंड लाइन आई कैरी मेन एंड विमेन इस लाइन से मालूम पड़ता है कि पोएट दूसरों का भी केयर करता है कि उसने लिखा आई कैरी मैं लाता ले जाता हूं मेन एंड विमेन मर्द हजार को खवातीन को उनका केयर करता हूं उसने इस लाइन से बताया ठीक है तो ये होगा एवं ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग सेकेंड क्वेश्चन ए टू इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेटिव और एनालिसिस क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा पॉइंट में इन्फ्रेंस यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इंटरप्रिटेटिव प्लस बनाना है इंटरप्रिट से मतलब अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है उसी में ऑप्शन एनालाइज यानी कि तजिया करना आप क्या एनालाइज करते हो वहां पे सवाल इजी होता है लेकिन थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो जाएगा अब जरूरी नहीं कि हूबहू आंसर आपको टेक्स्ट में उत्तर मिल जाए स्टैंजा में मिल जाए थोड़ा सा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करना है
क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। अब आपको चेक किया जाएगा कि व्हेन का स्ट्रक्चर आपको कितना समझा हुआ है, समझा भी है कि नहीं समझा। तो इसलिए वहां पे ऐसा सवाल रखा जाएगा जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी, ठीक है। तीसरा ए थ्री क्वेश्चन जो रहेगा पोएम में, नायिका सबकी प्रवचन है यहाँ पर, ए थ्री जो रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी जिसमें आपको पर्सनली चेक किया जाएगा आपके व्यूज, आपके थॉट्स, आपके नजरिया, आपके पैरा चेक किए जाएंगे कि आप क्या व्यू रखते हो पर्सनल रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन पैराग्राफ में कौन से नंबर पे आएगा, पर्सनल रिस्पॉन्स, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पैराग्राफ में कौन से नंबर पे, पोयम में ए थ्री, और पैराग्राफ में ए फोर पे आएगा पर्सनल रिस्पॉन्स। कहां पर, क्वेश्चन नंबर वन ए टू ए और बी ए में ए थ्री। यहां पर याद रखें आप लोग कि पर्सनल रिस्पॉन्स में बात ऐसी है कि आपसे जब कोई बात पूछी जाए तो ये आपका पर्सनल व्यू है जो हो सकता है हमारे मिजाज के मुताबिक हो। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसा सवाल हो सकता है जिसका जवाब आप लिखते हो वो जवाब एग्जामिनर के माइंड से मैच ना करता है, उसके मुताबिक जवाब आपका होगा, लेकिन एग्जामिनर को नो राइट टू कैंसिल है, उसको कोई राइट नहीं है कि आपने उस आंसर को मार्क्स ना दे। क्यों? उसने आपसे पूछा कि आपकी राय इस बारे में क्या है, तो जो आपकी राय है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, बात की अलग है कि मेरे जवाब से मैच नहीं करती, मेरे जवाब से नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दो मार्क्स अगर आपने मिले हो, लेकिन कब मिलेगी, जब आप लिखोगे तब मिलेगी। पर्सनल रिस्पॉन्स में हम लोग वही गड़बड़ करते हैं कि आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं जानते हैं आप? नहीं आता। क्यों नहीं आता? नहीं तो आंसर तो वहां से ढूंढ के लिख रहे हैं ना, सामने सब कुछ है ना, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आता, जुमला बनती नहीं आती, लेकिन खराब जुमला बनती आती है क्या? हाँ, ग्रामर की मिस्टेक करके लिख सकते हो तो बिल्कुल लिखो, ग्रामर की मिस्टेक करके लिख सकते हो लिखो। क्यों? एग्जामिनर को अगर आपको मार्क्स देनी है तो कुछ तो लिखा हुआ चाहिए, उसे जवाब चाहिए ना, उसको गुंजाइश करेंगे मैं बच्चे को मार्क्स कहा, खाली लाइफ को जवाब मार्क्स देगा कोई? आपको आप बोलेगा खाली पेज में इसको मार्क्स देता हूँ, आप हंसोगे ऐसा कैसा मजा, कोई खाली पेज को मार्क्स देता है तो वही एग्जामिनर भी सोचता है कि बच्चे ने अगर कुछ भी लिखा, ग्रामर की मिस्टेक है, किस लिखना था आर लिख दिया, आईएनजी नहीं लिखना था आईएनजी के साथ लिख दिया, इट्स ओके चलेगा। उसको मेन वहां क्या चेक करना होता है पता है? आपके थॉट्स, आपके व्यूज, आपके नजरिया चेक करना होते हैं, उसको ग्रामर चेक करने की जरूरत उस वक्त नहीं है, वो ग्रामर आगे चेक करेगा, उसको जगह है चेक करने के लिए। तो एयरपोर्ट में पर्सनल रिस्पॉन्स में और पॉइंट में एंट्री में आप पर्सनल रिस्पॉन्स को फिट ना करें, स्किप ना करें, छोड़ना, और अगर छोड़ना भी है ना तो करके छोड़ो, ये समझ लेना मैं नहीं देता हूँ आपसे, ऐसा समझ के मेरा लिखना बिल्कुल से छोड़ना। अब आते हैं उसके बाद पॉइंट में एयरपोर्ट क्वेश्चन एक्टिविटी, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक्टिविटी क्या है पॉइंट में, पोएटिक डिवाइस, वेरी गुड, पोएटिक डिवाइस जिसको हम दूसरे लफ्ज में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। मसला ये है कि बोर्ड के इंस्ट्रक्शन में पोएटिक डिवाइस लिखा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच नहीं लिखा जाता, इसलिए आपको वहां पर फिगर ऑफ स्पीच क्या करना है और जितनी फिगर ऑफ स्पीच है उस पर से आपको वहां सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछने का दो तरीका, पहला तरीका एक लाइन देगा, एक सेंटेंस से उठा करके वहां लिखी रहेगी लाइन और नीचे सवाल रहेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आइडेंटिफाई शनाख्त कीजिए एंड एक्सप्लेन और उसकी बता दीजिए। दो मार्क्स मिलेंगे आपको, कब मिलेगी,
जब आप उसको शनाख्त करोगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करोगे तब, अगर किसी बच्चे ने सिर्फ पहचान करके उसको लिख दिया लिख दिया और आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो बोर्ड ने कहा है ऐसे स्टूडेंट को मार्क्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ शनाख्त किया, हमने दोनों काम दिया है, शनाख्त भी करना है एक्सप्लेन भी करना है, तब तो मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आगे आपको लिखना पड़ेगा कि इन दिस लाइन एंटिथेसिस इज यूज्ड बिकॉज टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल मैं नाइन बोलता हूं, स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, ये एक लाइन है पॉइंट, इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच है? स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, कौन से फिगर ऑफ स्पीच? एंटीथेसिस, वेरी गुड। एंटीथेसिस क्यों? टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड, व्हाट आर दोज वर्ड्स? सिल्वर एंड गोल्ड अपोजिट टू ईच अदर, स्पीच एंड साइलेंस अपोजिट टू ईच अदर। स्पीच मींस बोलना, साइलेंस खामोश रहना, अपोजिट वर्ड्स हो गए। तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे रहेगा? आप मार्जिन के बाद वहां पे लिखोगे नंबर देकर के ए फोर एंटीथेसिस, आगे जुमला लिखो इन दिस लाइन एंटीथेसिस इज यूज्ड बिकॉज टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड, और वो अपोजिट वर्ड्स जो है वहां पे लिखोगे स्पीच एंड साइलेंस, तो आपको मिलेगी दो मार्क्स। सिर्फ किसी बच्चे ने लिखी एंटीथेसिस आगे नहीं लिखता तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगी। इसलिए आप दूसरा तरीका इस सवाल को पूछने का, पिक आउट द लाइन इन विच एंटीथेसिस इज यूज्ड, वो लाइन फर्स्ट से उठा करके लिखिए जिसमें एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो आप क्या करोगे, स्टैंजा में जाओगे, वहां पे ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, वो लाइन पिक आउट करोगे और वहां से उसको उठा करके कॉपी कर दोगे, लिख दोगे। ये हुआ ए फोर। अब बात करते हैं ए फाइव। ए फाइव क्या है? पोएटिक क्रिएटिविटी क्या है? इसमें आपकी शायराना तख्लीकियत को चेक किया जाएगा, पोएटिक क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी माशाल्लाह हमारे अंदर है, बस ये है कि हम उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, वरना बच्चों के स्टेटस हम देखते हैं मोबाइल पर तो हमें आपके क्रिएटिविटी लिखकर के आगे ये बच्चे के अंदर बड़ी क्रिएटिविटी है, लेकिन ये क्रिएटिविटी न जाने क्लासरूम में कहां गायब हो जाती है, चाहे वो घर पे छूट जाती है, घर पे यूनिफॉर्म बदलते हैं तो घर के ड्रेस के साथ ही जेब में पॉकेट में रखी रह जाती है और स्कूल नहीं पहुंची क्रिएटिविटी। तो पोएटिक क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आपको मार्क्स होगा। सवाल कैसे रहेगा? कंपोज फोर टू सिक्स लाइंस ऑन स्काई, चार से छह लाइन लिखिए, कंपोज कीजिए इस पर स्काई आसमान, ये टॉपिक है आसमान पे चार से छह लाइन लिखनी है। कहां से लिखोगे? यहां से लिखोगे, अपने माइंड से लिखोगे। स्काई आसमान क्या है, कैसे कलर का है, कहां तक फैला हुआ है, ये सवाल आपके अगर जहन में आते हैं लाइन बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। स्काई इज ब्लू, इट इज क्वाइट वास्ट, इट हैज नो बाउंड, इट इज अनलिमिटेड, चार लाइन होंगे ना। अभी उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, कंपोज फोर टू सिक्स लाइन्स, उसने ये नहीं कहा विद राइटिंग स्कीम विद राइटिंग वर्ड्स। अगर ऐसा कहे तो फिर हम राइटिंग वर्ड्स करेंगे, जब ऐसा ना कहा तो हम थ्री वर्ड्स करेंगे, और थ्री वर्ड्स में लिखना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ अल्पाज रखते जाइए आपके फोटो टू लाइन्स बनती है, एक के नीचे लिखिए आसान शायरी कीजिए, आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम में सिर्फ वही चीज। और अगर कभी उसने पाबंदी लगा के दी कि विद राइटिंग वर्ड्स नॉन राइटिंग वर्ड्स भी ला सकते हैं, उसमें कौन सा मुश्किल है? इसका इज ब्लू, अब लफ्ज आया ब्लू तो ब्लू का राइटिंग वर्ड क्या हो सकता है? और कीजिए ग्लू का राइटिंग वर्ड हो सकता है ग्लू, जी एल यू ई, सेम स्पेलिंग जैसा है, उसका राइटिंग वर्ड हो सकता है ग्लू, बी एल ई डब्ल्यू,
दो का पास्ट टेंस ब्लू, उसको ही ब्लू बढ़ते हैं, वैसे वर्ड्स आपको लास्ट में लाना है। इस कार इज ब्लू, व्हिच व्हिच हैज ब्लू, इस कार इज ब्लू, आसमान ब्लू है, जिसके अंदर ब्लू है। ब्लू यानी क्या? अपनी जाने को खींचने की सलाहियत है, बराबर। इसको खींचता है टू माई हार्ट, मेरे दिल को, टू माई हार्ट, मेरे दिल को खींचता है अपनी तरफ। अब आपने लिखा टू माई हार्ट, अब हार्ट लिख दिया तो हार्ट पर आगे वर्ड लाओ, अब हार्ट पर आगे वर्ड लाओ सकता है तो लिख करके पछताइएगा बजाय बिगड़ने से, क्योंकि लिखे हुए को कुछ तो मान लेते आए, आधी मार्क्स भी देते आए लिखते एग्जाम, और अगर कुछ भी नहीं लिखता तो आधी मार्क्स भी नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ लिखिए पेपर में, ठीक है। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हुए, इसमें किसी को कोई सवाल पूछना हो इन सवालों से ही, अगले सवाल के सवालों से नहीं, तो हम अभी आपको क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए फिर। चलिए तो ये था, थोड़ा सा आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे बुक में इस्तेमाल की है। एलिवेशन, रिपीटेशन, सिलेबी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमेटोपिया, एडिटेसी, पैराडॉक्स, और बोलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट, इन्वर्शन और हाइपरबोली और क्लाइमेक्स, एंटीक्लाइमेक्स और वर्बल फिगर ऑफ स्पीच। तो आपने हमें गिनवाया 13 फिगर्स ऑफ स्पीच, ये 13 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके बुक में से मार दी है, इन्हीं पर से आपसे क्वेश्चन मिलेगा जैसे पोएम आते हैं। और एक चीज याद रखें, 8 पॉइंट है, 8 में से 3 पॉइंट हमारी ऐसी है जो प्री वर्ड्स में लिखी हुई है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आजाद शायरी। प्री वर्ड्स कौन कौन से होता है प्री वर्ड्स में? सॉन्ग ऑफ दी ओपन वर्ड, वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, सॉन्ग ऑफ दी ओपन वर्ड, प्री वर्ड्स आजाद। उसके बाद वेरी गुड, फादर रिटर्निंग होम, इंडियन पोएम, इंडियन पोएम, ये किसमें है? प्री वर्ड्स। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रैंडम वर्ड्स नहीं है। और तीसरी पोएम लास्ट वाली, कौन सी लास्ट वाली? एस से शुरू होती है, एस एम ए डबल एल, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, ये तीनों पोएम। तो याद करने अच्छी तरह से, ये तीनों पोएम क्या है? ये भी इसलिए रिकॉल कर पाया कि उसने इस्तेमाल अभी हम बोर्ड पे करने वाले हैं। तो देखें कि एप्रिसिएशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट का एप्रिसिएशन लिखना इस तरह से लिखेंगे तो उसके पॉइंट्स आप याद रखें कि आपको एप्रिसिएशन में मार्क्स कहाँ मिलेंगे। सबसे पहली मार्क्स जो एप्रिसिएशन में आपको मिलेगी वो है टाइटल, एक मार्क्स के लिए आपको एप्रिसिएशन में सबसे पहला सेंटेंस लिखना है टाइटल और पोएट के नाम का, इस पर आपको मिलेगी एक मार्क्स। दूसरी मार्क्स आपको मिलेगी थीम, थीम किस तरीके से कर रहे हैं आप, अगर लास्ट होता है थीम हटा दें आप तो क्या होता है? प्रोनाउन बन जाता है देव, और उसमें टी लगा दो देव में तो बनता है थीम, ठीक है। और इसी को आप टॉपिक करके लिख सकते हो सेंट्रल आइडिया, इसको मिलेगी आपको एक मार्क्स। तीसरी मार्क्स आपको मिलेगी पोएटिक डिवाइस, और लैंग्वेज पोएटिक डिवाइस को आधी मार्क्स, लैंग्वेज को आधी मार्क्स, दोनों को मिला करके एक मार्क्स है। और आखिरी एक मार्क्स है अदर पॉइंट्स, इस तरह से 4 मार्क्स आपके होंगे।
पहली बात आपको मिलेगी टाइटल एंड पॉइंट्स में, तो कोई भी पॉइंट पूछे आपको उसका डेफिनेशन कैसे लिखना है मैं बोलता हूँ, आप गौर से सुने, इंशाल्लाह याद होगा। द टाइटल ऑफ द पॉइंट इज सरोजनी ऑफ इंडियन यूनिवर्स एंड द नेम ऑफ द पॉइंट इज सरोजनी नायडू। इतना लिखने के लिए पास किसी बच्चे को लगता है मुश्किल है, ये जुमला कितना जुमला है, ये कितना जुमला बोला मैंने, एक जुमला बोला, सुनने में दो सुनाई दे रहा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर एक ही, दोनों जुमलों में एंटी वर्ब आया, इस वाला एक जुमला है, सिर्फ आप आगे पीछे चेंज कर दोगे तो दो जुमले बन जाएंगे। फिर से बोलता हूं, द टाइटल ऑफ द पोएम इज इंडियन व्यूअर्स एंड द पोएम इज सरोजनी नायडू। हो गया, ये एक मार्क्स आपको इतने में मिल जाएगा, यानी किसी बच्चे ने सिर्फ इतना लिख के छोड़ा पेपर में, इतना लिख के भी छोड़ दिया तो एग्जामिनर एक मार्क्स दे देगा, क्योंकि वो उसको गाइडलाइन ये है कि बच्चा इतना लिखे तो आप एक मार्क्स दे, उससे अपने मार्क्स दे। दूसरा थीम, द थीम ऑफ द पोएम इज वही वाला, वही जुमला इस वाला जुमला ही है, द थीम ऑफ द पोएम इज Struggle and hard work of Indian viewers. Struggle and hard work of Indian viewers. एक मार्क्स मिलेगा आपने तीन रिवील कर दिया उसका। तीसरा, the poetic devices used in the poem are. वही प्रेजेंट सिंपल का होगा। अब आर इसलिए कहा जा रहा है कि devices हो गया जमा होने से, the poetic devices used in the poem are. Alliteration, repetition, metaphor. अब आपको मिलेगी आजमा। The language of the poem is वही इस वाला जीता। The language of the poem is easy and simple. अब आपको मिलेगी आजमा। अभी एक मार्क्स मिलेगी अदर पॉइंट्स। अब अदर पॉइंट्स में आप क्या लिखोगे? Opinion और structure of the poem. पोएम का नॉलेज अब है, क्या अक्षर में क्या है, कितने स्टैंड का भी पोएम है, हर स्टैंड का भी कितनी लाइन है, राइटिंग पॉइंट है कि नहीं है, थ्री वर्स है, इसीलिए थ्री वर्स में मैंने बताया है। अब फिर लिखोगे और आखिरी में आप लिखोगे आई लाइक दिस पोएम, आई लाइक दिस पोएम वेरी मच बिकॉज इट इज वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इतना लिखने की आपको मिलेगी एक मार्क्स। तो समझ में आ रहा है आपको मार्क्स स्कोर करना है, एप्रिसिएशन में कहा था आपको मार्क्स मिलेगी, वो जो पेज आपके पास है उसने मार्किंग स्कीम हमने दी है वहां पर प्रिंट करवा दी है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको एक चार मार्क्स और मिलने भी जा सकती है। तो अब जरा क्या करें कि ऐसा कितने बच्चों को लगता है कि हम उसमें से क्या लिख पाएंगे और क्या नहीं लिख पाएंगे उसको पता है। किसी को लगता है कि वो टाइगर और पोएट का नाम नहीं लिख पाएगा, किसी को लगता है नहीं लिख पाएंगे, बोलिए यस और नो, लिख पाएंगे, थीम लिख पाएंगे, वाकई क्योंकि हर पॉइंट की अलग थीम है, आपको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे आप सब मार्क्स मिला सकते हो, क्यों आप कुछ फिगर स्पीच याद कर लो तो हमारे सब पोएम में लिखना, जितनी पॉइंट तकरीबन हमारे पास है, एलिटेशन है, रिपीटेशन है, सिमिलरी है, मेटाफर है, ये चार ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो तकरीबन तमाम पोएम्स में इस्तेमाल होती है। लैंग्वेज के बारे में भी आप लिख सकते हैं, जितनी पोएम्स हमने पढ़ी है उसमें ऐसी किताब ही पोएम है जिसमें थोड़ा सा रिपीटर वर्ड्स आए हैं, जैसे मुझे याद है शी वॉक्स इन ब्यूटी, लॉर्ड बायरन की जो पोएम है उसमें बड़े मुश्किल अल्फाज है, ऐसे अल्फाज है जिनका मानी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन वो समझाया हुआ है। तो यहाँ भी आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, यहाँ पर अदर पॉइंट्स में अगर आपसे कुछ छूटता है तो आपने दो तीन पॉइंट आया लिखे हैं तो आधी मार्क्स, तो समझो कि यहाँ पर अगर आपकी आधी मार्क्स कटनी है और यहाँ पर आधी मार्क्स कटनी है तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, चार में से तीन, और अगर चार में से तीन मार्क्स कोई बच्चा मिला रहा है इस क्वेश्चन में तो उसका पेपर बहुत अच्छा है, पेपर खराब में शुमार नहीं होगा। आप खुद आप जो लोग दो मार्क्स में तो 50%
तीन मार्क्स मिले तो आप 75% पर चले जाते हैं। तो थोड़ा सा तवज्जो आपको चाहिए, बाकी पेपर माशाल्लाह आप लिख सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसकी बात आपको इतना आनी है, लेकिन आपकी तवज्जो जरूरी है, थोड़ा सा हाजिर दिमाग ही चाहिए, थोड़ा सा तवज्जो दिलचस्पी चाहिए, बाकी मसला आसान है। ठीक है, तो किसी को इसमें कोई डाउट है जो अभी एप्लीकेशन हमने बताया, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें और हमारे अगले सेशन की तरफ आए जिसमें आपको राइटिंग स्किल समझाना है कि आप राइटिंग स्किल में क्या क्या लिखने वाले हो, इसके लिए मैं याद करके आवाज होगा कि रोटीन में राइटिंग स्किल सेशन हो। राइटिंग स्किल्स को लेकर कितने मार्क्स को लेकर होता है, 16 मार्क्स को लेकर, एंड इट हैज 4 पार्ट्स। इसके कितने हिस्से हैं, 4, 4A, 4B, 4C, 4D। ए को 3 ऑप्शन, किसी एक को करना होता है 4, बी को 3 ऑप्शन, किसी एक को करना होता है 4, सी को 3 ऑप्शन, किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है 4, एंड डी भी सेम वैसा ही होता है, 3 ऑप्शन होते हैं किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है। अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे राइटिंग स्किल्स के पार्ट को देखें कि देयर आर 12 क्वेश्चन है ना फ्रॉम दी राइटिंग, बट वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4, तो यहां मैं 12 के 12 पर आपको जोर नहीं दूंगा, है ना। जो एसीएस जो है ना, जैसे कि क्वेश्चन 4A में 1, 2, 3 जो ऑप्शन देखेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वर्चुअल मैसेज, सेकंड जो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड थर्ड जो होता है जीडी ग्रुप डिस्कशन। तो मैं कहूंगा आप ना एसओपी को फोकस कीजिए ना ग्रुप डिस्कशन, जस्ट फोकस ऑन ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज एंड इट इज वेरी इजी। अब ये कैसे इजी होगा, तो इट हैज 5 स्टेप्स टू कंप्लीट दिस राइटिंग, कि अगर इसको आपको मुकम्मल करना है तो 5 स्टेप फॉलो करते हुए आप आसानी से इसे मुकम्मल कर सकते हैं। व्हाट एवर द क्वेश्चन इज डजंट मैटर, कोई वैल्यू नहीं रखता ये क्वेश्चन, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे ही देखते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पूरा पेज भर के क्वेश्चन की फॉर्म में हमारे सामने, आप समझते हो भाई भाई इतना बड़ा सवाल है तो और ज्यादा लिखना होता है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा इसका आंसर होता है। अगर आप लाइन्स में काउंट करोगे तो 5 to 6 लाइन जस्ट इनफ इसके 5 से 6 लाइन, इट मींस दैट वी हैव टू राइट दिस क्वेश्चन विद इन 50 वर्ड्स, है ना। इस सवाल को हमको कितने वर्ड में लिखना होता है, जस्ट 50 अल्फाज के अंदर। अब 50 अल्फाज को लिखने जाएंगे तो मुश्किल से 6 लाइन की होती है, मुश्किल से 6 लाइन की होती है। अब सपोज आपको कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लेकर कहा जाता है ड्राफ्ट का वर्चुअल मैसेज, है ना। अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या है वो आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ सकते हैं, उसको समझते हुए आपको एक कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू द स्टेप्स ऑफ द वर्चुअल मैसेज, इट हैज 5 स्टेप्स। नंबर 1 इज एनीबॉडी नो इट, किसी को पता है फर्स्ट स्टेप का कौन सी होती है, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट देयर नेम, है ना। सबसे पहली स्टेप जो होती है एक्ट वेरी लेट टाइम, वी हैव टू पुट पुट देयर डेट। अब डेट कहां से लिखेंगे, तो ये भी हमको ये समझ लेना है कि क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर पेपर का अगर कोई डेट मेंशन है तो उस डेट को यूज कीजिए, वरना जिस डेट पर आप एग्जाम दे रहे हो सीधा उस डेट को लिखिए, डेट लिख दिया है ना। फॉलो उसके बाद आपको टाइम लिखना होगा, क्या लिखना होता है टाइम। अब आप लोगों के साथ टाइम को कौन सा लिखे कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता दूं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से ही लाइव होता है कि किस मोड में किस वक्त को बात की जा रही है। कभी ऐसा होता है कि ऑफिस से जाने पहले बात की जा रही है, मॉर्निंग टाइम है, कभी ऐसा इवनिंग टाइम होता है आमतौर। तो आप जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रीड करते हैं और डायलॉग को रीड करते हैं तो उसमें आपको अंदाजा होता है कि टाइम क्या मेंशन है। सपोज सुबह का है 10 AM, बस इतना लिखिए, ये 2 स्टेप्स हो गए क्या, डेट एंड टाइम। ये याद रखने की चीज है, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इन्हीं स्टेप को
को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है और यही स्टेप के जरिए से हमको मार्क्स मिलने। तो पहली स्टेप है डेट, सेकंड स्टेप है क्या चाय, देन आफ्टर वी हैव टू लीव अ लाइन एम्प्टी कि हमको एक लाइन खाली छोड़ देनी होती, ये भी स्टेप का हिस्सा, ये भी उस स्टेप का हिस्सा। अब उसके बाद ग्रीटिंग होती है, जैसे हम खत लिखा करते थे, है ना, हमको कैसे
क्वेश्चन होती है, वहां पर किसी किरदार के तरीके से वो मैसेज ड्राफ्ट करता है, उस पर जब आप राइटिंग स्किल में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अपने आप को उस किरदार में क्या कर लेना है, समझ लेना है कि ये मैं ही लिख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक आपके जो सेंटेंस होते हैं ग्रामेटिकली क्या होते हैं, करेक्ट निकलते हैं, है ना। तो इससे कोई एरर नहीं होगा और आप आसानी से जो फिफ्टी वर्ड को जो मैसेज ड्राफ्ट करना है वो कंप्लीट कर लो। अब जैसे ये मैसेज ड्राफ्ट हुआ, एक लाइन क्या लिखिए, एम्प्टी छोड़ दी, और लास्ट में अब मैसेज कौन लिख रहा है, सो योर मदर, या फिर मॉम, सीधा इतना लिखकर क्या कीजिए, क्वेश्चन को समाप्त की। ये तो हमारा ड्राफ्ट है वर्चुअल में। पांच स्टेप कौन सी है, फिर से मैं आपको मेमोराइज करवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ। देखिए, नंबर वन डेट, सेकंड टाइम, आफ्टर दैट चीज के लिए हम वो मैसेज छोड़ रहे हैं, है ना, उसको ग्रीट करके उसका नाम या फिर वो डॉटर या सिस्टर जो रिलेशन है वो बता रहे। उसके बाद बॉडी ऑफ द मैसेज जो कि कितने वर्ड में होगा, विद इन 50 वर्ड, और एक बार जो मैसेज ड्राफ्ट करेगा, है ना, उसका है। ये हो गया हमारा चार मास्टर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। तो ये इतना आसान हो जाएगा अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो, इजीली ये मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसमें कंटेंट की दो मार्क्स होती है, एप्रोप्रिएटनेस की एक मार्क्स होती है, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन की एक मार्क्स होती है। तो कहीं ना कहीं कम से कम अगर आप स्टेप फॉलो करते हुए लिखते हो तो जो कभी अटेम्प्ट नहीं करते थे उनको 50% मार्क्स तो मिल ही जाएगी आसानी से। 50% मार्क्स की तो मार्क्स, और अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिख रहे सेंटेंस तो वो 3.5 भी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, अगर 3.5 आप लिए तो आगे चल के जब वो टैली कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 ए वर्ड। अब मैं सीधा क्वेश्चन 4 बी बी पर आता हूं। इसमें जो होता है आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, क्या होता है इंटरव्यू क्वेश्चन, है ना, जिससे आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको इंटरव्यू लेना है किसी पॉपुलर पर्सनालिटी का, किसी डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी का, किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी, जिसमें उसके इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए आपको 8 to 10 क्वेश्चन फ्रेम करना है। कितने, 8 to 10 क्वेश्चन। अब सबसे पहले जैसे ही हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको 8 to 10 सवाल फ्रेम करने, तो सवाल बनता कैसे ये सीखना जरूरी है कि व्हाट इज द वे टू फ्रेम द क्वेश्चन, है कि किस तरह से हम WH को यहां, अभी जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम WH क्वेश्चन जो क्या होते हैं WH क्वेश्चन। अब जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लर्न करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें 3 टाइप्स होती है, WH टाइप क्वेश्चन, जस्टिफाइड टाइप क्वेश्चन और रेटोरिकल टाइप क्वेश्चन, आप लोग उसे वर्बल भी कहते हैं। तो यहां पर हमको जो सबसे ज्यादा तवज्जो का पार्ट है वो क्या है, WH टाइप क्वेश्चन। अब अभी तक क्या आप बताते रहे होंगे और हमारा अनुमान यही है कि आप सही बना रहे होंगे, फिर भी उसका एक तरीका होता है, उसका एक मेथड होता है, उसका एक फॉर्मूला है, क्या कि उसका एक रास्ता है कि WH क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो वहां पर सबसे पहले आपको राइट सिलेक्शन ऑफ WH वर्ड करना होगा, क्या करना होगा, राइट सिलेक्शन ऑफ WH वर्ड। अब WH वर्ड किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, हम बचपन से सवाल पढ़ते आ रहे, क्वेश्चन रीड करते आ रहे, कोई मुझको बताएगा कि WH वर्ड किसको बोलते हैं, किसी को पता है यार, और मैं नहीं समझता कि किसी को नहीं पता है, पर ये है कि अभी झिझक में हेजिटेशन में नहीं उनको, नहीं तो बहुत ज्यादा बोलने वाले बच्चे भी फ्रंट पे बैठे होंगे मेरे साथ, सबसे वाकिफ हूं, है ना। तो WH वर्ड जो होते हैं वाक में में पिच हु हु, ये सारे वर्ड क्या है, हाउ हाउ मच हाउ मच, दीस वर्ड्स आर नोन एज WH वर्ड, और विद द हेल्प ऑफ दीस वर्ड वी फ्रेम क्वेश्चन, एंड दोस क्वेश्चन विच स्टार्ट विद WH वर्ड आर नोन एज WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, जो WH से स्टार्ट होकर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है उसे WH टाइप क्वेश्चन। तो अब जब WH क्वेश्चन टाइप फ्रेम करने की बात आई है तो यहां पर सबसे पहले आपको फार्मूला समझ लेना होगा, उसमें जो होता है राइट सिलेक्शन ऑफ WH वर्ड, कि आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले WH वर्ड लिखना होगा,
क्या होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पता है ना आपको, टेंसेस सीखते हैं हम, टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, इट आर वर्ब वर दैट इज दैट व्हिच शब्द और मॉडल्स के साथ भी आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। कैन गो शैल शुड वी गुड मे माई और टू नीड देयर टू हैव टू मस्ट, ये सारे क्या है मॉडल्स, इनके साथ भी आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब जैसे ही आपने डब्ल्यू एच वर्ड लिखा उसके फौरन का हेल्पिंग वर्ब लगाया तो आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना होगा। मैं आपको बता दूं यहां सब्जेक्ट का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जब आप इंग्लिश क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो आप खुद उस शब्द से इस तरह से अपने आप को पेश कर रहे होते हैं कि बस ये है मैं हूं और यू आर योर रोल का मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, कि अगर उसे अभी मुझको नाम पूछना तो मैं क्या पूछूंगा, व्हाट इज योर नेम, मैं ये थोड़ी ना पूछूंगा व्हाट इज हिज नेम, है ना, व्हाट इज हिज नेम, ये नहीं पूछूंगा, डायरेक्ट उससे मेरा इंटरेक्शन है ना। तो यहां पर यू या योर है ना सब्जेक्ट प्लेटफॉर्म पे यूज होता है क्या। अब उसके बाद नेम वर्ब क्या होता है, नेम वर्ब, अब ये एज पर द टेंस यूज होते हैं, जिस तरह के सवाल जिस मुताबिक जिस मुताबिक आप पूछते हैं उस तरह से आप डब्ल्यू एच वर्ड का सिलेक्शन कीजिए, हेल्पिंग वर्ड लगाइए, सब्जेक्ट यूज कीजिए और उसके बाद वर्ब, अब जिस बारे में पूछना है वो पूछ लीजिए। अब सपोज के चौक मुझको यहां पढ़ा दिया, अब उसको ऐसा महसूस होता है आप ही लोगों के दरमियान से किसी का, अब मैं कैसे सवाल करूंगा, डब्ल्यू एच आई है ना, डब्ल्यू एच आई क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या पूछूंगा, हूज जॉब इज दिस, किसका जॉब है ये, है ना, हूज जॉब इज दिस, और या फिर हु इज द ओनर ऑफ दिस जॉब, है ना ये। लेकिन अभी डायरेक्ट मुझे पूछना है तो मैं क्या पूछूंगा, इज इट योर जॉब, अब यहां पर देखो मैंने यस नो टाइप क्वेश्चन को बोल दिया, होगा तो हाथ देगा नहीं तो नहीं, लेकिन अभी क्वेश्चन जब फ्रेम कर रहे हैं तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई है। सबसे पहले क्या डब्ल्यू एच वर्ड पुट करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड एज पर द टेंस और सवाल के रवैये के लिहाज से जिस वक्त के बारे में हमको पूछना है उस लिहाज से, और उसके बाद वर्ब, और फिर मेन वर्ब और जिस बारे में पूछना है वो वर्ब। अब जब हम इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसके कुछ हेड ट्रिक्स है ना, अभी जो पिछले में आपको एक क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर देखो क्या क्या पूछा गया था, सीधा
अब उसके बाद क्या प्राइमरी ट्रेनिंग। अब सपोज यहाँ पर किस स्पोर्ट पर्सन को हमने सिलेक्ट किया, वो विराट कोहली है ना, क्रिकेटर विराट कोहली है ना, किंग कोहली जिसे कहते हैं। अब उसे आप पूछ लेते हैं कोई भी शख्स हो, उसकी बुनियादी ट्रेनिंग जो होती है वो डायरेक्ट से किंग कोहली से ही बन जाती है। धीरे धीरे वो प्रोसीड करते करते तरक्की करते करते इस मकान पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर उसकी बुनियादी ट्रेनिंग के बारे में पूछ लेते हैं कि वेयर डिड यू गेट योर प्राइमरी ट्रेनिंग, कि आपने अपनी प्राइमरी ट्रेनिंग बुनियादी तालीम ट्रेनिंग प्रैक्टिस कहाँ से, हमको बताएगा तो नहीं पता ना होगा। अब ट्रेनिंग के लिए सीख गए, एक्सपर्ट हो गया, माहिर क्रिकेटर बन गया, तो फर्स्ट टाइम से अपॉर्चुनिटी मौका का भी आया तो है ना, कोई डायरेक्ट से कहीं किसी मकान पर पहुंच नहीं जाता, उसको एक मौका मिलना चाहिए। सपोज आपको मौका मिला, आप यहाँ आए, हमें मौका मिला, आपके सामने क्या कर रहे हैं कुछ बोल पा रहे, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक उसी तरह से अब विराट कोहली से आप पूछ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछते हैं है ना, तो आप ये भी पूछ सकते हैं व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है ना। ये अब उसके बाद क्या है अकॉम्प्लिशमेंट, जाहिर सी बात है उसको मौका मिला, बहुत सारी सक्सेस को हासिल किया उसने, सेंचुरी बनाई, टॉपिक तो जो
इनकार कर दिया फिर वो भूल गया तो एक मजा नहीं वैसा नहीं चाहिए है ये रट लेना है हमको क्या करना है ऑनरेबल प्रेसिडेंट या फिर चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे आई एम हियर टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक अब जो टॉपिक होगा वो सपोज सेवा अदर्स से होना ये हो अब टॉपिक क्या है सेवा अदर्स से होना अब इसको इंट्रोड्यूस करना है तो इसमें इस टाइटल में आपको क्या इंजिन लग रही है सेव वाटर सेव लाइफ यानी कि अगर हम पानी को बचाते हैं तो जिंदगी बच जाए इट मीन दैट कि हमको पानी की अहमियत को वहां पर क्या करना है टॉपिक को इंट्रोड्यूस है तो हमको ये पता है कि वर्ल्ड में जो 71% वाटर बॉडी अवेलेबल है अब उस 71% वाटर बॉडी में से भी जो 3% वाटर है वो पीने के काबिल है अब उस 3% पीने के काबिल पानी में भी 2% जो पानी है वो फ्रोजन फॉर्म में बर्फ की शक्ल में इसका मतलब हमें पीने के लिए 1% पानी मिल रहा है तो इसकी अहमियत हमको ज्यादा होगी और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान ही इस्तेमाल कर रहे हैं दरख्त पर भी लग रहा है आप आशी पर भी लग रहा है मवेशी भी इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी ये हमसे ज्यादा कोई और बता नहीं सकता ये हुआ हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया उसी की अहमियत को बताते हुए लिख लिया अब लास्ट में आ गए क्या हो गए अब लास्ट में आ गए अब कंक्लूड कर रहे हैं लिख लिए तो सीधा एक सिंपल सा सेंटेंस हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच सेइंग वी मस्ट सेव वाटर सेव लाइफ एंड आई थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली थैंक यू सो मच इतना लिखकर स्पीच को हम समाप्त करते हैं तो एक सेंटेंस जो याद रखने का क्या है हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच है और अगर एक सेंटेंस उसमें वहां पर आप अपना मैसेज देना चाहते हो ऐड करते हो तो ऐड करके आखिर में आपको इस स्पीच को समाप्त करना है थैंक यू के साथ दिस इज द पार्ट ऑफ द स्पीच है क्योंकि जो सुनता है हमें उनका मशहूर होना चाहिए क्योंकि वो हमें क्लियर करता है तो वो स्पीच का पार्ट है उसको लिखना इस तरह से हम फोर्थ आर्टिकल के स्पीच का पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं बिगिनिंग एंडिंग ये तो रटा रटाया हुआ दो मार्क्स इसकी मिल और जो बॉडी में आपने लिखा है टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया और उसको कंटिन्यू किया ये दो मार्क्स अगर सब सही हो गए तो पूरी चार मार्क्स और इनकेस हम कुछ ज्यादा डोल हो कुछ गड़बड़ हो गई ग्रामेटिकल या पॉइंट परफेक्ट नहीं है हमारे तो कम से कम एक मिले की उस दो से ये रटे रटाई की दो तो फिक्स है वो दो में से एक मिली कितनी मिल गई अभी तक छोड़ कर आ रहे अभी तक छोड़ कर आ रहे थे अभी मैं पेपर देख रहा हूँ क्या हालात है हमारे तो अब नहीं छूटना चाहिए इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को भी बधाई करवाया जाए कि कितना आसान होता है ये सब अब क्वेश्चन को डी है स्पीच राइटिंग के कोई डाउट रहेंगे कोई मुश्किल पार्ट रहता है तो पूछ लीजिए है ना क्या हुआ पहला ड्राफ्ट ये बचपन में से दूसरे में हमने देखा एग्जाम क्वेश्चन तीसरे में हमने देखा क्या स्पीच राइटिंग नाउ लास्ट अपील राइटिंग अब अपील होता क्या है ये भी समझ में आना चाहिए अपील जो होता है कभी डोनेशन के लिए होता है कभी सोशल रिफॉर्म के लिए होता है कभी सफाई को लेकर होता है प्रोग्राम को लेकर होता है कभी से होगा जब सुनाई जैसा देखो अभी स्पीच में भी आता है रिजल्ट आता है ना तो ये सारी चीजें क्या होती है ये इंसान से जुड़े हुए मसाइल है ना जो उससे ताल्लुक रखने वाली चीजें होती है और इसी को टॉपिक बनाकर हमको अपील राइटिंग में दिया जाता है अब जब अपील राइटिंग में लिखने सबको आपको टॉपिक आ जाए है ना क्लिनिनेस के अंतर के साथ तो आपको जब टाइटल क्रिएट करें वहां पर स्लोगन यूज करना क्या करना है स्लोगन यूज करना है आप सफाई को लेकर एक स्लोगन बहुत आम है जो आप लोगों ने एक आधार सुना होगा क्लीनलीनेस इज गॉड है ना गॉडलीनेस क्या है क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस ये टाइटल बना दें अब क्लीनलीनेस क्या है हमसे बेहतर कोई बता पाएगा हमें तो हदीस भी बताई गई है और उसका तरीका भी बताया गया कि किस तरह से बात कहा जाए अब कहो मुस्लिम मान है ना पढ़ाया ना हमने चार चालीस हदीस जो हमको पढ़ाई जाती है फिर उसके अखबार भी बताए गए तो वही छोटे छोटे बातें जो आपके जहन में
नमूदार होने के लिए होने प्राइम की शर्त में छोटे छोटे सेंटेंस सेंटेंस के फॉर्म में आप लिखिए वहां पर विभक्ति लिख दीजिए। अब तीन से चार आपने लिखा उसके बाद सेंटर में कुछ और एक टाइप ऑफ स्लोगन या फिर कोई ऐसी पोएट्री लाइन फॉर्म में है ना जो कि यूनिक फॉर्म में हो जॉइन है तो ब्रिक चेन इस तरह से कुछ ऐसा लिख दीजिए। और फिर उसके बाद एक पार्ट ये होता है कि जब भी आप अपनी राइटिंग लिख रहे तो उसके लिए कुछ स्पीकर ड्रॉ कर दो। तो जब आप कोई स्पीकर आपके जहन में क्रिएट हो रही है ड्रॉ कर रहे हैं पेन से नहीं बनाना किससे नहीं बनाना है पेन से स्केल और पेंसिल का मिलता रहा हाथ में रख के उस पार्ट को कर दो कि बार बार भी अगर मिस्टेक हो रही है तो मिटा सके गलती हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं इरेज करके दोबारा सही कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पेन से करें तो क्या होगा मिटा नहीं सकेंगे और नीट एंड टाइडी रहने की भी मांग से वहां पर इस पार्ट में घास घास से अपनी राइटिंग में इट शुड बी अट्रैक्टिव इट शुड बी पर्सुएसिव है ना कि इसको ऐसा फ्रेम करना होता है कि ये पर्सुएट करे लोगों को साथ साथ हमारा टारगेट भी होता है इसको पर्सुएट करे एग्जामिनर को जो हमारा पेपर एसेस करेगा चेक करेगा। तो हमको वहां पर कोई कीमत नहीं फैलानी है यानी कि ना छाट और चले भी नहीं बनाने कोई पार्ट कोई वर्ड गलत हो गया सिर्फ एक कट नॉर्मल कट मार दिया ये बच्चा वर्ड छुपाने की कोशिश में पेपर का वो हिस्से उठा देते और ये नहीं करते। अब उसके बाद कुछ और पॉइंट सजेशन दीजिए कि क्लिनलीनेस किस तरह से रखा जा सकता है। तब क्लिनलीनेस को है तो फौरन हमारे जहन में तस्वीर बनाने के लिए ख्याल ये पैदा होता है कि तस्वीर बना दिया जाए। अब कचरे को लेकर हम हमारे जहन में किला कचरा सुबह तो डस्टबिन में दो क्वेश्चन कर दीजिए वेट एंड राइट और डस्टबिन के सेंटर हिस्से में जाने के लिए यूज भी इससे क्या मैसेज आएगा कि यहाँ पर ये डस्टबिन है एक हिस्से में आप लोगों को गीला कचरा रखना है और एक हिस्से में सूखा और सफाई मेंटेन करने के लिए डू नॉट पुट कार्पेट इन द एरिया ये एक सेंटेंस हो गया डू नॉट स्पिट ऑन द रोड ये हो गया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज है थ्रू रैपर्स इन द फील्ड है डम कार्पेट एट इट्स प्लेस के कार्पेट जमा हुआ कचरा जमा हुआ घर का डस्टबिन में जमा करते हैं और फिर ले जाके खुले मैदान में पड़ोसी का पूरा खाली है उन्होंने अपने ही वहां लेके बैठा तो उसके भी सजेशन को क्वेश्चन पेश करते हैं छोटे छोटे जुमले में और आखिर में जो पार्ट होते हैं जो फूटर के तौर पर वहां पर लिखना होता है बॉक्स बना कर लिखते हैं तो फूटर में क्या रहता है कि जब कोई कैंपेन चलाया जा रहा है तो वहां पर डेट होती है टाइम होता है और किस मकान से उस कैंपेन को चलाया जा रहा है किस मंदिर के जरिए वो लिखना है ना। तो ये करके हमको फिर ये सारी डिटेल फीड करने के बाद क्या करना है हमको उसको बॉक्स में पैक करना है बॉक्स में रैप करना है। अब क्या होता है बच्चे पहले से बॉक्स पेन कर लेते हैं पेंसिल से पहले से बॉक्स बनाते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। अब होता है कि पॉइंट लिखते लिखते फिगर ड्रॉ करते करते बॉक्स भर जाता है फिर ये होता है कि आगे के बॉक्स उठा लेते या तो मिटा है तो कल्पना होती तो पहले हमको बॉक्स फ्रेम नहीं करना हमको एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ ये पॉइंट होगा यहाँ स्लोगन होगा यहाँ फिगर होगी यहाँ सजेशन होंगे यहाँ टाइम होगा यहाँ डेट होगी यहाँ वेन्यू होगा ये सब तय कर लें। अब ये कब तय कर पाएंगे जब इसकी तैयारी पहले से हम एग्जाम हॉल में जाने से पहले घर पर करें तो ये तैयारी प्रैक्टिस से हो और हमारे जहन में माइंड मैप है तब जाकर वो करेंगे। तो इतना करके उसको क्लोज कर देना है बॉक्स में अट्रैक्टिव रहेगा परफेक्टिव रहेगा परफेक्टिव रहेगा तो एग्जामिनर ऑलरेडी क्या करेगा उसको दो मार्क्स उसमें जो कंटेंट होते हैं उसकी दो मार्क्स होती है ओवरऑल प्रेजेंटेशन की एक मार्क्स होती है और एप्रोप्रिएटनेस यानी कि जो उसका सिस्टम उसकी जो तरीके को बताया गया उसको फॉलो किया उसकी एक मार्क्स इस तरह से चार मार्क्स। तो आपको ये चारों राइटिंग स्किल को छोड़ना नहीं है और इसको करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट से चलना पड़ेगा वरना क्या होता है हमने प्रीलिम में देखा बच्चा थर्ड क्वेश्चन नहीं समझ लिया जो तीन घंटे था क्वेश्चन नंबर को भी मैनेज करके चलना है क्वेश्चन नंबर को भी थ्री को भी फोर को भी मैनेज करके लिखना है तब जाकर हम फिफ्थ में जाकर उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आप इन चार फोर राइटिंग स्किल
को लेकर अगर कोई डाउट हो रहा होगा तो अभी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कभी मौका निकलता है, पूछने को सवाल आता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं समझ रहे, दोबारा भी पूछ सकते हैं। आगे के पार्ट का अपना आंसर फिर से कठिन। इसके बाद हमारा आखिरी सेक्शन है, सेक्शन नॉवेल एज अ जॉनर, एज अ जॉनर। नॉवेल जो है अगर ये इसमें टाइप है तो काफ़ी लेंथी और बड़ी होती है, तो इसी तरह से हमारे अगले सेक्शन में सेक्शन फोर है जो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे ताल्लुक रखने वाले सारे क्वेश्चन फोर रखे जाते हैं। तो नॉवेल में जो बुक में हमारा कंटेंट है सिलेबस में वो ये है कि पहला जो लेसन है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, यानी नॉवेल की तारीख बताई गई है, नॉवेल की तारीख कितनी पुरानी है, मतलब जो नॉवेल कहाँ से पुस्तक है दिया गया एक्सपेक्टेड है और उसकी हिस्ट्री क्या है, कितनी पुरानी है, पहला नॉवेल सबसे पहला नॉवेल कौन सा लिखा गया, फिर उसका लिखने वाला और नॉवेलिस्ट उसका नाम क्या था। उसके बाद इसी तरह से 18वीं सदी के जितने नॉवेलिस्ट दूसरे हैं सबके नाम बुक में लिए गए हैं, उनके नॉवेल्स के नाम हैं, 20वीं सदी के नॉवेलिस्ट के नाम हैं, इवन इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट के नाम दिए हुए हैं, इसी के साथ साथ फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, खवातीन जो नॉवेलिस्ट दूसरी हैं उनके नाम हैं, उनके नॉवेल्स के नाम हैं, और इंडिया से उसमें पेश किया गया है कि हिंदुस्तान में नॉवेल कब से लिखा जाना शुरू किया गया, सबसे पहला नॉवेल मौसर का इंडियन, वो इंडियन नॉवेलिस्ट कौन था जिसने सबसे पहला नॉवेल लिखा, इस तरह से सारी हिस्ट्री उसमें मौजूद है। और इस पर से आपको चार मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है, क्वेश्चन नंबर 5A में 1 और 2 करके, 5A 1 2 मार्क्स के लिए, 5A 2 2 मार्क्स के लिए, दोनों सवाल हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में। सवाल कैसे होगा, फिर इनका ब्लैंक्स खाली जगह को चीज ब्रैकेट किया रहेगा, उसमें से जो सही ऑप्शन है वो चुन करके आपको लिखना है, या फिर मैच का फॉर्म जोड़ियाँ लगाइए, गलत जोड़ी लगी भी रहेगी हिस्ट्री ऑफ नॉवेल की उसमें आपको सही जोड़ी लगाना रहेगा। उसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाना है, अरेंज करना है, सिंगल सही गलती देनी है, इस तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B, ये इसका ताल्लुक, इस क्वेश्चन का ताल्लुक हमारे पहले नॉवेल के चैप्टर से है, जो हमारा पहला नॉवेल है उसमें राइटर क्या है, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल 4.2 पहला नॉवेल, उसके चैप्टर्स वहां के हैं, कौन सा नॉवेल है, राइटर कौन है, नॉवेलिस्ट कौन है, तो पहला नॉवेल है टुसर विद लव, टुसर सर यानी पिक्चर, टुसर विद लव है, और राइट नॉवेलिस्ट कौन है, रिकी ब्रेथवेट, तो रिकी ब्रेथवेट का और इस बार नॉवेल है। इस पर से आपको चार मार्क्स का सवाल आने का क्वेश्चन है, क्या सवाल होगा, नॉवेल के प्लॉट को लेकर के, नॉवेल के थीम को लेकर के, नॉवेल के स्ट्रक्चर को लेकर के, और इसी तरह से उसकी सेटिंग को लेकर के सवाल पूछा जाएगा, उसके कैरेक्टर को लेकर पूछा जाएगा, जैसे डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ रिकी ब्रेथवेट, रिकी ब्रेथवेट का क्या कैरेक्टर है नॉवेल में, डिस्क्राइब कीजिए फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए मुख्तसर आपको लिखना है कि रिकी ब्रेथवेट कौन है नॉवेल में, क्या बताया गया, उसका क्या रोल है, तो मार्क्स के लिए आपको 5 से 6 मिनट के पैराग्राफ बनाने के लिए होना, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से वहाँ डील करना है, आपको आपको मार्क्स मिले, क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे इसके लिए, सुन रहे हैं क्या, किधर हाजिर है, अच्छा तो क्या करेंगे उसके लिए, हमारी बुक में सेक्शन 4 में जो चैप्टर दिया हुआ है उससे पहले दिया हुआ है समरी ऑफ द नॉवेल, सिनॉप्सिस ऑफ द नॉवेल, थीम ऑफ द नॉवेल, जो नॉवेल है उसकी समरी एक पेज आधे पेज में समरी है, सिनॉप्सिस आधे पेज में सिनॉप्सिस दिया हुआ है, थीम वो भी वहां पे दिया हुआ है, तो आपको उसको वहां से रीड करना है। वजह ये है कि ये पूरा सेक्शन ऐसा है जो मेमोरी बेस्ड है, याददाश्त पर मबनी है, जिसका कोई हिंट
वो इंक्लूड, वो इशारा क्वेश्चन पेपर के सिवाय क्वेश्चन के कुछ नहीं रहना। जैसे पैराग्राफ छपा हुआ रहता है, पोएम छपी भी रहती है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक या दो जुमले में क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद अगला हमारा मॉडल है अराउंड द वर्ल्ड 80 दिनों में दुनिया का सफर है। इस नॉवल को भी आपको इसके चैप्टर को पढ़ना है, थीम को पढ़ना है, चैप्टर ना पढ़े तो थीम जरूर पढ़िए, सिनॉप्सिस जरूर पढ़िए, समरी आप जरूर पढ़िए। इस पर से क्वेश्चन आएगा फाइव सी में 4 मार्क्स के लिए, उसके बाद अगला है फाइव डी जिसमें 4 मार्क्स के लिए आपको सवाल आएगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, दूसरा अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। और नॉवल का नाम है द साइन ऑफ बुक, राइटर है नॉवलिस्ट है शर्लॉक होम्स सर आर्थर कॉनन डॉयल। तो ये आपको जरूर पढ़ना है ताकि आप यहाँ पर एग्जाम में थोड़ा सा उसको लिख सको, मेमोरी बेस में है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से, ठीक है, बुक से पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जो शायद आपके लिए नाराज साबित हो, हेल्पफुल हो आपकी स्टडी के लिए। तो इतना यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा 80 मार्क्स का पूरा पेपर कवर होता है, पूरा पैटर्न आपके सामने आता है। और अगर किसी को कुछ डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं, तो हम लोग आगे अगले स्टेप पर पहुंच जाए, हमारे सेशन के अगले स्टेप जो है वहाँ आगे बढ़ जाए, ठीक है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने फेवर किया, सपोर्ट किया, बैठे रहे जाने के थोड़ा